हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माय सेल्फ डॉक्टर एस के सैनी टीम सीएलसी बच्चों आज हम एक बेहतरीन जो टेस्ट सीरीज की जो चल रही है वो टेस्ट सीरीज का एक बेहतरीन पेपर करने जा रहे हैं जो इतना अच्छा पेपर है जिसमें क्लास ट्वेल्थ के क्वेश्चन है जो आने वाली जो सेवंथ मई के एग्जाम है उसके अंदर अधिकांश इस कंसेप्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी तो बच्चों चलते हैं देखिएगा क्वेश्चन नंबर इज इज इनकरेक्टली मैच आपके सामने बच्चों एक क्वेश्चन दिया गया है किसका पेडिग्री एनालिस का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कुछ सिंबल्स बताए गए हैं आप में देखिएगा ऑप्शन नंबर एक है उसके अंदर है सिंबल बताया गया है स्क्वायर है स्क्वायर कह रहा है अनफेक्टेड मेल है तो ये बात सही है यहाँ पर तो हमें इन करेक्ट मैच करना है हमें ये देखना है करेक्ट मैच करना है तो इसके बाद में ऑप्शन नंबर टू में आप देखिएगा मेल को और यहाँ पर फीमेल के साथ में यहाँ बाइंड किया गया है और यहाँ पर लिखा है सेकेंड मैरिज तो आपको बताया कि जो मेल और फीमेल जो अनअफेक्टेड है और उनको टू लाइन से हम यहाँ पर कनेक्ट कर दें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो दोनों मेल और फीमेल है इसका जो कनेक्शन है वो कहीं सिब्लिंग या कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो मोर रिलेटिव जो यहाँ मेंबर्स है उसके बीच में यहाँ पर मैरिज शो कर रहा है जबकि ये लिख रहा है यहाँ पर सेकंड मैरिज तो आपका यही इनकरेक्ट मैचिंग है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर टू है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके okay, बच्चों यहाँ पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन था ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं और बहुत ही कम समय में हम बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं इसी प्रकार देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू है मेस टर्म गिवन इन कॉलम वन विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम टू एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पर बच्चों आपको देखना है कि दो साइड में यहाँ पर कॉलम वन है और दूसरी साइड में यहाँ पर कॉलम सेकंड है इन दोनों कॉलम को हम यहाँ पर मैचिंग करेंगे मैचिंग करेंगे तो उस आधार पर हमें यहाँ पर करेक्ट क्रे... आंसर को चूज करेंगे जिसमें कौन सा यहाँ पर सही मैचिंग है तब देखिएगा देखिए बच्चों यहाँ पर कह रहा है को डोमिनेंस है। सबसे पहला डेफिनेशन यहाँ पर बताइए को डोमिनेंस क्या है प्लियोट्रोपी क्या है मल्टीपल एलिज्म क्या है और पोलीजेनिक इनटे क्या है बहुत ही सिंपल सिंपल डेफिनेशन है आपको पता है को डोमिनेशी का मीनिंग है एफ वन जो जनरेशन होती है जब पी वन और पी टू कोई भी एक रेसेसिव और एक डोमिनेंट पेरेंट का क्रॉस करवाया कर जाता है तो एफ वन जनरेशन जहां पर हिट्रोजाइगोट्स प्राप्त होते हैं उस हिट्रोजाइगोट में यदि मेल एलील और फीमेल एलील हाँ या हम कह सकते हैं एक डोमिनट एलियल और एक रिसेसिव एलील जो दोनों साथ साथ है और दोनों अपना इफेक्ट

तो बहुप्रभाविकता के अंदर हम क्या देखेंगे बहुप्रभाविकता क्या कहना चाह रहा है बहुप्रभाविकता का मीनिंग यहाँ पर है कि कोई एक जीन है कोई शिंगल जीन है जो टू और मोर करेक्टर को यहाँ कंट्रोल कर रहा है जनरली कंसेप्ट क्या है वन जीन है वो कंट्रोलिंग कर रहा है ओनली वन करेक्टर को वन जीन है वो टू एल से बनता है यहाँ लेकिन ये कह रहा है कि यदि कहीं न कहीं यहाँ पर इफ वन जीन कंट्रोल ऑफ दी Two or more that is called pleiotropy. तो option तो तो ऐसा मिलता है देखिएगा पर पर हम कहेंगे ये ऑप्शन नंबर फोर आपके पास है प्लियोट्रॉपी को यहाँ पर शो कर रहा है इसके बाद मल्टीपल एलिज में क्या करना जा रहा है तो मल्टीपल एलिज में बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि एक एलील तो यहाँ पर सिंगल है एक सिंगल एलील है और सिंगल एलील की यहाँ पर सीम लोकस पर टू और मोर एलील जनरली टू एलील होती है यहाँ पर बट टू और मोर एलील थ्री एलील फोर एलील फाइव एलील है वो यदि प्रजेंट है सेम लोकस पर प्रेजेंट है लेकिन एलील ही में इसकी स्टडी हम बच्चों एक पॉपुलेशन में कर पाते हैं एक इंडिविजुअल में नहीं कर पाते हैं तो ऐसे केस को हम बोलते हैं कि मल्टीपल एलील की बात करेंगे मल्टीपल एल में हम कहेंगे मैनी एलील कंट्रोल और सिंगल करेक्टर एक सिंगल करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल जीन के द्वारा यहाँ कंट्रोल करने के लिए अनेक एलील हील पाए जाते हैं जैसे एग्जाम्पल आपको पता है ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है रेबिडी के अंदर एक जो कोट कलर है इसमें चंचीला एक कलर है हिमालयन एक कलर है अगोटी एक कलर है और एल्विनो एक कलर है वो भी इसी का एक एग्जाम्पल आता है तो यहाँ पर सी के साथ में मैचिंग बच्चों किसके साथ हो रही है यहाँ तो सी के साथ मैचिंग टू के साथ हो रही है इसके बाद में फोर्थ तो है यहाँ पर पोलिजेनिक है पोलिजेिक इनहेरिटेंस आपको पता है कि कोई भी एक सिंगल ट्रैक्टर को कंट्रोल करने के लिए मैनी जीन्स यहां पर है शो कर रहा है मैनी जीन्स का अपना इफेक्ट है शो कर रहा है और वो भी डोमिनेंट है जीन तो हम इसे एडिट इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं तो आपके पास में एक ऑप्शन बचा है वन तो इसके पास में वन तो थ्री फोर टू वन ही आपके पास में थ्री फोर टू वन कहां पर है तो ऑप्शन नंबर वस्ट है इसका करेक्ट आंसर होगा तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही यहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यहां और ऐसे क्वेश्चन एक एक

की बात कर रहा है में हम यहां पर बच्चों देखें तो कौन सा यहां सही हो सकता है तो हम कहेंगे यहां पर दे प्रोड्यूस बाई रहा है, तो ये बात है। दे डू नॉट है

फ्रूट फ्लाई ये मॉर्गन का एक बेस्ट एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर इंसेक्ट था और मॉर्गन ने इसको फ्रूट फ्लाई क्यों कहा क्योंकि इसको बनाना और मैंगो दोनों है वो राइपनिंग बनाना और राइपनिंग मैंगो दोनों इसको यहाँ पर पसंद है और उसी में इसको कल्चर बहुत अच्छी तरह किया जा सकता है इसलिए इसको हम यहाँ पर फ्रूट फ्लाई कहते हैं इसके केस में हम कहेंगे इट कैन बी ग्रोवन ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम टू द लेबोरेटरी इसी लेबोरेटरी में बहुत आसानी से यहाँ पर सिंपल मीडियम में यहां पाला जा सकता है तो यह ग्रो किया जा सकता है लाइफ साइकिल इसकी शॉर्ट होती है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है ये सिंगल मेटिंग मैटिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनि एक बार यदि मेटिंग कर ले तो यहाँ बार लार्ज नंबर में अत्यधिक संख्या में प्रोजेनि या बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता इसमें होती है और विजिबल सेक्सुअल टाइप और मेनी टाइप्स ऑफ जेनेटिकल वेरिएशन कैन बी इजिली ऑब्जर्वेशन ड्रोसविला में बच्चों आप देखिएगा इसमें बहुत सारी वेरिएशन पाई जाती है जेनेटिकली हम डायमोरफिज में वो भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं मेल है फीमेल है उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं तो इस आधार पर हम कहेंगे ये चारों स्टेटमेंट आपके बच्चों से ही है तो चारों स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर टू के अंदर है आपका यहाँ पर है तो ये ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर है तो ये हो जाएगा यहाँ इसके बाद में फिर बच्चों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनबोर्न एरर का हमारी जेनेटिक्स के अंदर एक यहाँ पर डिजीज दे रखी है कुछ डिजीज है वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज है उन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज को हम एनबॉर्न एरर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है तो उसमें हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पर ऐसी डिजीज है जो

होता है दोनों डिजीज के लिए अप्लाई हो रहा है स्पेसिफिक अमीनो एसिड डज नॉट चेंज इनटू द है ये बच्चों से ये यहाँ पर किसके लिए फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए फिनाइल एलानिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि यदि एक सिंगल म्यूटेशन हो जाए तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेइज एंजाइम एंजाइम यहां पर है आ, वो नहीं बन पाएगा एक जीन में म्यूटेशन होने के कारण है और वो नहीं बनेगा तो यहाँ पर है टाइरोसिन नहीं बन पाएगा और टाइरोसिन नहीं बन गया तो पाएगा तो हम मेंटल रिटार्टेड हो जाएंगे हम हमारे अंदर किटोन बॉडीज है बॉडी के अंदर अत्यधिक बनने लग जाएगी टी थ्री टी फोर हार्मोन का प्रिकर्स होता है टाइरोसिन तो वो नहीं बनेगा मेलेन का प्रिकर्स होता है वो नहीं बनेगा इस प्रकार से अनेक डिजीज हो जाती है यहाँ फिर कह रहा है एक्यूमलेसन ऑफ द फिनाइल

देखिए क्लोनिंग वाहक के संदर्भ में कथन का चयन कीजिए वो भी कौन से गलत कथन का या इनकरेक्ट कथन का हमें चयन करना है पहला देखिए प्रतिकृति ओरी अनुक्रम से शुरू होता है बिल्कुल सही अगर मैं डीएनए रेप्लीकेशन की बात करूं तो कहां से स्टार्ट होगा ओरी सीक्वेंस से स्टार्ट होता है इसीलिए इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन प्लाज्मेड की प्रतिकृति में शामिल प्रोटीन को रोप जीन कोड करता है बिल्कुल सही है यहाँ पर रोप का पूरा ही नाम है क्या रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिट तो प्लाज्मिट के रेप्लीकेशन से संबंधित जो प्रोटीन है वो कौन सा जीन बनाता है रोप ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है अगला देखिए बाहरी डीएनए का बंधन एक प्रतिबंधन स्थल पर किया जाता है जो चयन योग्य मार्कर जीन में मौजूद नहीं होता गलत है क्या बोल रखा है लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए या बाहरी डीएनए इज डन एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट विच इज नॉट प्रेजेंट इन द मार्कर जीन गलत है जबकि हमने पढ़ रखा है कि यहां पर प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर जैसे में जितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसमें कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट होता है ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो प्रेजेंट होती है लेकिन इसमें बोल रखा है नहीं होती गलत है ये वाहक का आकार छोटा होना चाहिए बिल्कुल सही है वेक्टर का साइज कैसा होना चाहिए स्मॉल तो हमें गलत कथन सिलेक्ट करना था आंसर क्या आ गया थर्ड अगला देखिए इसमें एग्रो बैक्टीरियम कई पौधों का एक रोगजनक है ध्यान रखना एग्रोबैक्टीरियम एग्रो बैक्टीरियम मोस्टली डाइकोट प्लांट्स को क्या करता है अफेक्ट करता है तो ये नहीं है हमारा ये नहीं है अगला देखिए जो डीएनए के टुकड़े के स्थानांतरण में सक्षम होता है जिसे टी डीएनए कहते हैं तो आंसर आ जाएगा थर्ड ध्यान रखना इसमें ये जो एग्रो बैक्टीरियम होता है ये डाइकोट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है और अपने टी डीएनए को ट्रांसफर करता है टीआई में भी एक छोटा सा पार्ट होता है इसको बोलते हैं टी डीएनए और वो टी डीएनए के अंदर अगला देखिए इसमें डीएनए एक हाइड्रोफोबिक अणु है गलत डीएनए एक हाइड्रोफिलिक अणु है कौन सा है हाइड्रोफिलिक तो ये गलत हो गया अगला देखिए माइक्रो इंजेक्शन में डीएनए को एक जंतु कोशिका के केंद्रक में प्रविष्ट कराया जाता है बिल्कुल सही है माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू डीएनए इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल बायोलिस्टिक में कोशिकाओं पर स्वर्ण या टंगस्टन से आवृत उच्च वेग वाले डीएनए सूक्ष्म कणों की बमबारी की जाती है यानी कि इन बायोलिस्टिक सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डीएनए कोटेड विथ गोल्ड एंड टंगस्टन गलत हो गया क्योंकि डीएनए पर टंगस्टन कोट नहीं होता बल्कि टंगस्टन पार्टिकल्स पर किसका कोटिंग होती है डीएनए की यह गलत है स्टेटमेंट है जीन गन इज सूटेबल फॉर प्लांट सेल ये राइट स्टेटमेंट है क्योंकि जीन गन का यूज किसके लिए किया जाता है प्लांट सेल तो आंसर क्या जाएगा कितने सही है दो आंसर थर्ड नेक्स्ट देखिए नीले सफेद चयन का प्रयोग किया जाता है ब्लू व्हाइट सिलेक्शन इज यूज टू ध्यान रखना जब हम प्लाज्मेट का यूज करते हैं तो प्लाज्मेट में एक जीन इंट्रोड्यूस कराते हैं मार्कर के रूप में जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइड जीन यस बीटा गैलेक्टोसाइडिन जीन. जीन. जीन के अंदर हम अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कराते हैं और अगर फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो जाता है तो जो बैक्टीरियल सेल की कॉलोनी बनेगी वो कैसी होगी व्हाइट कलर की अगर व्हाइट कलर की कॉलोनी बनती है तो इस केस में हमें समझ में आ जाता है कि हमारा जो डीएनए है वो कहाँ क्लोन हो चुका है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर हो चुका है जबकि अगर ब्लू कॉलोनी आती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा फॉरेन डीएनए बीटा गलेक्ट्रोसाइडेड जीन में इंसर्ट नहीं हुआ है तो किसका पता लगाने में प्लाज़मिड में क्लोन किए गए डीएनए के टुकड़ों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं ये ब्लू व्हाइट सिलेक्शन करते हैं तो टू टेस्ट द प्रजेंस ऑफ क्लोन्ड इंसर्ट इन अ प्लाज़मिड अगला देखिए जीवाणु विषाणु के प्रवेश करने पर विषाणु के डीएनए को खंडित करके स्वयं को विषाणु से बचाते हैं यानी कि बैक्टीरिया प्रोटेक्ट डेम फ्रॉम वायरस वाई फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए अपॉन इट्स एंट्री तो आप कह सकते हैं कि जब वायरस अपना डीएनए कराता है बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज और ये एंडोन्यूक्लिएज उस वायरल जीनोम को कट कर देता है जिससे बैक्टीरिया प्रोटेक्ट रहता है आंसर आ जाएगा सेकंड एंडो एंजाइम है

अगला देखिए एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन को प्लास्मिड वेक्टर के साथ जोड़ने में मदद करता है गलत है यहां पर जोड़ने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता अगला देखिए काटे गए डीएनए रज्जुक में थ्री डैश ओ और फोर फाइव डैश फॉस्फेट सिरे बनते हैं तथा यह सुगर फॉस्फेट आधार में कट लगाता है बिल्कुल सही है आप कह सकते हैं जब यह कट लगाता है तो डीएनए स्ट्रैंड जो बनेंगे कट कट डीएनए स्ट्रैंड उसमें थ्री डेज पर हाइड्रोक्सिल मिलेगा और फाइव डेज पर फॉस्पेट एंड आपको मिलेगा और ये कट कहाँ लगाता है सुगर फॉस्पेट बैकबोन में कट लगाता है तो यहाँ पूछा क्या है ये सही तो सही स्टेटमेंट कौन कौन से हो गए बी और डी आंसर आ जाएगा थर्ड नेक्स्ट देखिए इसमें रूपांतरित पर पोषी कोशी का जिससे पुनर्योगीएनए प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव इंसुलिन का व्यवसायिक उत्पादन किया जाता है यानी कि ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल कौन सी होस्ट सेल है जिसका यूज करके इंसुलिन को लार्ज स्केल पर हम प्रोडक्शन कराते हैं तो ध्यान रखना इसमें आंसर आता है ऐश्वर्ची कोलाई या ई कोलाई नेक्स्ट 1990 में एडीए की कमी से पीड़ित एक चार साल की बच्ची में इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया था तो ध्यान रखना फर्स्ट जीन थेरेपी जो की गई थी वो किसमें की गई थी अ फोर ईयर ओल्ड गर्ल में की गई थी, थी. ठीक है तो ध्यान रखना इसमें आंसर आ जाएगा सेकंड। अगला देखिए जीएम फसलों के लाभों में किसे छोड़कर सभी शामिल हैं। कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करना बिल्कुल है हेल्प रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस लेकिन हमें इनमें से एक गलत है उसको चूज करना है फसलों को अजैविक तनावों के प्रति सहिष्णु बनाना बिल्कुल सही है यानी कि जो क्रॉप होंगी उसको टॉलरेट बनाना ए बायोटिक स्ट्रेस के लिए ताकि वो इन ए बायोटिक स्ट्रेस को सहन कर सकें तो ये जीएम क्रॉप का हमें एक लाभ है फसलों के पोषक मूल्य में वृद्धि करना बिल्कुल सही है न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना भी ये क्या है जीएम क्रॉप का हमारा एक लक्ष्य होता है जैविक फसलों और फलों का उत्पादन करना ये गलत है आप ऑर्गेनिक क्रॉप और फ्रूट का प्रोडक्शन इससे नहीं कर सकते ये इसके लिए नहीं है तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या जाएगा फोर्थ नेक्स्ट देखिए मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाली ट्रांसजेनिक गाय थी तो ध्यान रखना अगर मैं फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ की बात करूं वो कौन सी थी रोजी थी और इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी इसके मिल्क में ज्यादा थी अबाउट टू पॉइंट फोर ग्राम पर लीटर के हिसाब मतलब हिसाब से इसमें प्रोटीन मिलती थी इसके मिल्क में आंसर आ जाएगा सेकेंड यहाँ पर रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है रिगार्डिंग एसेसरी स्ट्रक्चर इन मेल जेनेटल ट्रैक्ट मार्क द स्टेटमेंट दैट इज इनक्रैक्ट ध्यान देखें यहाँ पर मेल जेनेटल ट्रैक्ट की बात कर रहा है उसके बाद में एसेसरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है उसमें से हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करता करना है यहाँ पर तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है कौन सा यहाँ पर गलत है तो उसकी बात करेंगे यहाँ तो हम कहेंगे काउपर ग्लैंड दैट लाई बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड ओपन इनटू टू मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एंड प्रोड्यूस म्यूकस रिथ सिक्रिशन यहाँ पर तो बिल्कुल सही बात है यहाँ ग्लैंड है एक एल्केलाइन पर रिलीज करता है और एक म्यूकस उसके अंदर हाईली विस्कस म्यूकस यहाँ पर पाया जाता है तो ये बात हमें यहाँ पर सही कह सकते हैं इसके बाद में कह रहे हैं प्रोस्टेटिक सिक्रेशन मैकअप दिक्सटी परसेंट ऑफ द सेमाइनल प्लाज्मा ये गलत हो गया सिक्सटी परसेंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा यहाँ पर कौन बनाता है तो हम कहेंगे सेमाइनल वेसिकल बनाता है जबकि ये कह रहा है प्रोस्टेटिक सिक्रेशन सिक्सटी परसेंट बनाता है यहाँ तो ये यह हमारा यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया और हमें पहचानना क्या है या इनकरेक्ट पहचानना है तो निश्चित तौर पर ऑप्शन नंबर टू आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लेकिन फिर भी हम ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं पी विस्कस ऑफ द सेवन पीएच ऑफ़ टू सेवन पॉइंट फाइव कैरिंग टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड मिलियन इन आंसर है सर्व एज़ एज़ एनर्जी ये भी हम जानते हैं बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपके पास में बच्चों टू नंबर जो तो स्टेटमेंट है रॉन्ग है इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसके बाद में हम बात करें सेवनटीन एक सर्टोली सेल का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तो ये भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है तो इसमें बताया पूछा गया है कि से, सर्टोली सेल के कुछ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं कौन सा इसे संबंधित नहीं है ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर सर्टोलीसेल विच आर लोकेटेड विद इन दी वेस्ट आर नॉट नॉन ऑन दू Among given the तो आपको पता है बच्चों कि हमारी जो टेस्टीज है टेस्टीज का टीएस सेक्शन लेंगे तो इसके यहाँ पर अनेक प्रकार की ऐसे यहाँ पर टाइप की कुछ सेल्स पाई जाती है इन सेल को हम कहेंगे सेल जो कहीं ना कहीं लूमेन की ओर प्रोजेक्ट रहती है एक पिरामिडल सेल होती है तो यहाँ पर कह रहा है दे आर इेटेड पिरामिडल सेल विद द इज प्रोजेक्टिंग इन टू दूमन ये करेक्ट आंसर है द द प्रोवाइड अटैचिंग साइड टू एंड आपको ये भी बताया बच्चों कि जब स्प्रम बनेंगी येड हो चाहे हो ये सब इससे सर्टोली सेल है उसके साथ में चिपकते हैं इसलिए सर्टोली सेल को हम सपोर्टिंग सेल भी बोलते हैं नरिशमेंट सेल भी बोलते हैं क्योंकि शुक्राणुओं को ये पोषण भी देती है शुक्राणुओं को ये आधार भी देती है ये तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर टू भी ये है यहाँ करेक्ट हो जाएगा दे फंक्शन इन रेस्पॉन्स टू दी एल एच बच्चों गलत हो गया क्योंकि सर्टोली सेल है वो एफ एस एच के रेस्पॉन्स में यहाँ पर फंक्शन कर रही है एल एच के रेस्पॉन्स में आपको पता है कि यहां पर कुछ बाहर की साइड में स्पेस में कोशिकाओं का एक समूह और पाया जाता है इससे कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं लेडिंग सेल इस सेल का नाम दे दिया गया लेडीग सेल है, या सेल के नाम से भी जानती हैं ये सेल है वो किसके हार्मोन के किस हार्मोन के रेस्पेक्ट में अपना कार्य करेगी अपना फंक्शन करेगी तो आंसर आएगा यहाँ एल के रेस्पेक्ट में ये अपना फंक्शन करेगी ओके बच्चों तो ऑप्शन नंबर थर्ड है इससे क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर भी हम फोर्थ देख लेते हैं द सीक्रेट नरिशमेंट सब For the of cells है जो एन सी आर टी है और एग्जामिनर ऐसी पिकअप करके और एग्जाम का एक क्वेश्चन बना देता है तो ये भी आप एक सिंपल सी लाइन है आप बच्चों तो समझ गए होंगे यहाँ इसके बाद में एटीन क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें एक फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि आपके हाँ सामने एक डायग्राम दे रखा है डायग्राम डायग्राम यूट्रस का एक है इससे कुछ लेबलिंग दे रखी है इसमें ए लेबलिंग बी लेबलिंग सी लेबलिंग पर दे रखी है और डी लेबलिंग दे रखी है इन लेबलिंग को हम देखते हुए कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और उन स्टेटमेंट को पहचान के हमें आंसर देना है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन यदि थोड़ी सी हम गलती करते हैं तो ये आंसर गलत कर सकते हैं यहाँ तो देखिएगा इसमें देखिएगा ये ए है ये बी है ये सी है यह डी है आपसे कहे कि ये क्या शो कर रहा है एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द मेनेस्ट्रोल साइकिल ये है ये एंडोमेट्रियम है आपको पता है मेनेस्ट्रोल साइकिल के दौरान मेनेस्ट्रोल साइकिल है उसके दौरान जो साइकिल चेंजेज होते हैं वो कहां पर होते हैं एंडोमेट्रियम में होते हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमें यहाँ पर इनकरेक्ट पहचानना है ये ध्यान रखना है यार जब भी बच्चों पेपर सोल्व करो तो क्वेश्चन के अंदर इनक्रेक्ट करेक्ट जो भी यहाँ पर ऑप्शन हो उसको यहाँ पर राउंड कर लिया करो सर्कल कर लिया करो ताकि हमारे क्वेश्चन सोल्व करते समय ये वर्ड ध्यान में रहे या उसके बाद में जो दे रखा है, है भी हमें पता बच्चों, मायोमेट्रियम सबसे थिकेस्ट लेयर है स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है और जब डिलीवरी होती है जब तो पार्चुलेसन होता है तो उस समय ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से तेजी से वीगेस्ट कॉन्ट्रेक्शन होते हैं और इस कॉन्ट्रेक्शन के कारण यहाँ पार्चुलेन की क्रिया प्रसव की क्रिया या शिशु जन्म की क्रिया होती है तो ये भी बच्चों आपके पास में यहाँ पर सही आंसर है इसके बाद में सी दे रखा है सी इज पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर ये भी करेक्ट आंसर है यहाँ पर कि करेक्ट स्टेटमेंट है कि सबसे बाहरी लेयर है वो क्या है पेरीमेट्रियम है और एक्सटर्नल है और थिन मेम्ब्रेन से बनी हुई है यहाँ है? एक लेयर है इसके बाद में डी बच्चों दे रखा है डी इसने कहा सर्विक्स ये बच्चों गलत हो जाता है डी है ये डी यहां पर हम कहेंगे करेक्ट क्या होगा डी यहां पर वेजाइना होता है सर्विक्स कहते हैं तो यहां पर ये भाग गया वो का होता। तो डी यहाँ सर्विक्स कह रहे हैं तो हमारा रोंग स्टेटमेंट हो गया एंड सीमन रिलीज बाई द पेनिस इन टू सर्विक्स तो सीमन बच्चों कहाँ पर रिलीज किया जाता है तुम्हें पता है वेजाइना के अंदर रिलीज किया जाता है तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया ये स्टेटमेंट रोंग हुआ इनकरेक्ट हुआ इसलिए हमारा आंसर क्या

तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं नंबर क्वेश्चन में, में के कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, और इसमें ये दे रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर है, फॉल्स है तो हम कहेंगे इट इज आल्सो कॉल्ड वे एंड इज सेप इन लाइक एंड द इनवर्टेड आपको पता है यूट्रस बच्चों ये यूट्रस है यहां पर तो ये कैसा है इनवर्टेड पियर शेप्ड है यहां पर तो ये आपका स्टेटमेंट राइट है यहां? इट इज बाय द लिगामेंट टू पेल्विक की साइड में ऐसे अनेक लिगामेंट होते हैं और इधर एक साइड में ओवे से यहाँ पर कनेक्ट रहते हैं तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बाद में इट इज ओपन इनटू द ऑविडक्ट थ्रो सर्विक्स केविटी सर्वाइकल कैनाल के ये किसके अंदर ओपन हो रहा है इट इज ओपन ओविडक्ट है ये बच्चों गलत हो गया

हमारा तो करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा तो ये एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट का क्वेश्चन था और निश्चित तौर पे आपने ये सही किया है और एक फोर मार्क्स आपने यहां पर प्राप्त किए है इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस विच स्टेज इज ए फर्स्ट टू कंटेन द क्रोमोजोम यहां पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस और की घटना यहाँ पर बताई गई है उसके अंदर आपसे कहा पूछा गया है कि कौन सी स्टेज बनती है अलग अलग स्टेजेस बनती है उसमें कौन सी स्टेज के अंदर सबसे पहले हैप्लोइड है, क्रोमोजोम युक्त स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है तो आपको पता है बच्चों तो स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड उसके बाद में स्पर्मियोजेनेसिस की मैकेनिज्म से या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो एप्लोइड सबसे पहले कहाँ होगा एफ्लॉयड जहां पर मियोसिस सबसे पहले होगा और मियोसिस से प्राइमरी उस साइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद में मियोसिस होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक एप्लोइड स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगी तो ये यह बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर है थर्ड है आपका यहां पर करेक्ट आंसर है सिंपल सा क्वेश्चन था इसके बाद में हम अच्छा है. कि इस्परमेटोसाथ, ये इस्परमेटोसाथ है. इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें मियोसिस इसके अंदर भी हुआ नहीं तो जेनेटिक मटेरियल क्या है हमें है जेनेटिक मटेरियल में चौबालीस प्लस एक्स वाई प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है इसके बाद में इस प्रमुख बनेगा बनेगा तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू अलग हो जाएंगे प्लस एक्स हो जाएगा प्लस वाई क्रोमोसोम हो जाएंगे यहाँ तो हमें इसका जेनेटिक मटेरियल पूछा है तो फोर्टी फोर ऑटोसोम इसके साथ में एलोसोम एक्स वाई है इसे हम यहाँ पर 22 पेयर ऑटोसोम भी कह सकते हैं और साथ में एक्स वाई क्रोमोसोम कह सकते हैं तो ऑप्शन नंबर फोर बच्चों यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है तो ये भी बहुत अच्छा एक ट्रेकी क्वेश्चन था निश्चित तौर पे आपने ये एक करेक्ट आंसर दिया है और फिर आपके जो मार्क्स है उसमें यहाँ पर इंक्रीजिंग इस क्वेश्चन के द्वारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप आगे बढ़े हो इसके बाद में एक बहुत ही और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये यहाँ ट्रांसप्लांटेशन का क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है यहां पर रिजेक्शन ऑफ द फॉरिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज कॉज बाय ए एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ए फंगल मेटाबोलाइट दैट इज बी तो यहाँ एक स्टेटमेंट दे रखा है ए और एक यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है जहां पर एक वर्ड आएगा बी ए और बी क्या है वो भी अच्छा कंसेप्ट है हमें पता है बच्चों क्या कंसेप्ट लगा हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सेल होती है एक सेल को हम कहेंगे बी सेल एक सेल को हम कहेंगे टी सेल अब आपको पता है बी सेल का काम है यहां पर फंक्शन है एंटीबॉडी का निर्माण करना बी सेल क्या कर रही है बच्चों एंटीबॉडी का निर्माण करना टी सेल यहां पर क्या कर रही है टी सेल का एक फंक्शन तो है यहां पर सेल्फ एंड नॉन सेल्फ पे आइडेंटिफिकेशन ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है हमारी बॉडी के अंदर किसी फॉरेन पार्टिकल की पहचान करना बॉडी के अंदर किसी फॉरेन ऑर्गन की पहचान करने का काम कौन कर रही है टी सेल कर रही है तो इससे हमें इम्यूनिटी मिलती है बी सेल से जो इम्यूनिटी मिलती है इसको हम कहेंगे होमोरल इम्यूनिटी होमोरल इम्यूनिटी और टी सेल से जो इम्यूनिटी मिलती है इसे हम कहेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या सी एम आई के नाम से जानते हैं यहाँ अब आपको बताया टी सेल भी कई प्रकार की टी सेल है टी सेल में आप कहोगे टी एच सेल टी सेल में आप कहोगे टी के सेल टी सेल में आप कहोगे यहाँ पर है टी एम सेल तो ये टी सेल में आप कहोगे टी एस सेल या तो वेरिस टाइप ऑफ टी सेल्स से है या इसमें बच्चों जो तो टी के सेल है यहाँ ध्यान दें वो तो एक सेल है या टी के सेल है वो यदि इंपॉर्टेंट सेल है तो ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स फॉरेन ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर जो तो एंटर करता है उसकी पहचान करने का काम या हम कह सकते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान करने का काम है वो टी सेल टी सेल में भी कौन कर रही है टी के सेल कर रही है इसलिए हमें इसे जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया जाता है तो करवाया जाता है तो इस इम्यून सेल को रिजेक्शन से रोकने के लिए ऑर्गन का रिजेक्शन रोकने के लिए इसको कुछ समय के लिए या थ्रू आउट लाइफ में इम्यून सिस्टम को इनिबिट किया जाता है इनिबिट करने के लिए एक विशेष प्रकार की दवा काम में लेते हैं जो फंगस से किसी फंगस के मेटाबोलिज्म से प्राप्त करते हैं उस दवा का नाम है साइक्लोस्पोरिन तो हमारे पास में अब ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है या ए जो है, ए जो वर्ड दे रखा है है का मीनिंग सी एम आई प्रोवाइड करता उसके बाद में इसे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन है उसकी आवश्यकता होती है सी एम आई क्या कर रही है ट्रांसप्लांट ऑर्गन है उसको रिजेक्स रिजेक्शन करने में यहाँ पर हेल्पफुल है तो बच्चों इस कंसेप्ट से दो तीन क्वेश्चन आपने यहाँ पर सीख लिए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन लिवर ट्रांसप्लांटेशन इसमें यहाँ पर इसको रिजेक्ट करने में कौन सी इम्यूनिटी तो सी और कौन से इसे हम इनिविट करने के लिए जो इम्यूनोसप्रेशेंट प्राप्त करते हैं जो यूज करते हैं वो कौन सी है यहाँ साइक्लोस्पोरिन है तो निश्चित तौर पे बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है और बहुत ही शानदार कंसेप्ट है इसके बाद में हम आगे चले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीज से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं बच्चों उन स्टेटमेंट को हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर यहाँ पर करेक्ट है, है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, है। ऐसे स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देखना है तो इनकरेक्ट पहचान लेंगे तो बच्चे वे क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे हम यदि करेक्ट स्टेटमेंट की यहाँ पर यदि बात करें ये कह रहा है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इसके बाद में कह रहा है विच ऑफ दबाओ गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट करेक्ट पहचानना है अभी क्या कह रहा है पहला न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन्फ्लुएंस आवर इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है एनसीआरटी की लाइन है इसके बाद में ये कह रहा है कि माइंड दी मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ बिल्कुल हमारा मेंटल है यदि डिस्टर्ब हो गया तो हमारी हेल्थ बच्चों डिस्टर्ब हो जाएगी एक दिन यदि नींद न आए हमें तो हमारा पूरा शरीर है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो मेंटल है और माइंड दोनों हेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है इसके बाद में हम कहेंगे हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर इनफेक्शिस एंड ए लाइफ स्टाइल ये भी बच्चों यहाँ पर है एक करेक्ट स्टेटमेंट है हेल्थ डज सिंपली मीन ओनली ऑफ डिजीज नो नो हेल्थ हमें ये नहीं कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति है डब्ल्यू एच ओ ये कह रहा है कोई डिजीज नहीं है तो एक गुड हेल्थ है गुड हेल्थ के लिए बच्चों यहाँ पर साइकोलॉजी मेंटली फिजिकली सेक्सुअली बिहेवियरली सोशली इन सब में फिट हो तो ही हम एक गुड हेल्थ कहेंगे अदरवाइज हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कि कोई डिजीज नहीं है और हमारी गुड हेल्थ है तो ये हमारा एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया है यहाँ तो आपसे पूछा एक करेक्ट स्टेटमेंट तो वन और यहाँ पर सेकंड और थर्ड है ये तीनों ही करेक्ट है तो आपका ऑप्शन नंबर फोर है बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है यार ट्वेंटी फोर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ टेबल के रूप में यहाँ पर दे रखा है जिसमें कुछ डिजीज दी गई है कुछ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं कुछ मोड ऑफ इन्फेक्शन दे रखे हैं और ये कह रहा है कि यहाँ पर है मोड ऑफ इन्फेक्शन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर करेक्ट मैचिंग कहाँ पर है ये बात कह रहा है हम सबसे पहले देखें निमोनिया न्यूमोनिया बच्चों एक बैक्टीरियल डिजीज है स्टेप्टोकोकस न्यूमोनाई या डिप्लोकोकस न्यूमोनाई के द्वारा ये डिजीज़ होती है किसके द्वारा ये फैलता है तो ड्रोपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ये फैलता है हमें पता है कपिंग के द्वारा फैलता है ये भी हमें पता है एक बैक्टीरियल डिजीज है तो ये निश्चित तौर पर एक करेक्ट यहाँ मैचिंग है टाइफाइड की बात करें टाइफाइड बच्चों यहाँ सालमोनिला टाइफी के द्वारा होता है बट इंस्पायर्ड एयर के द्वारा नहीं फैलता ये कॉन्टामिनेटेड फूड के द्वारा ये होता है इसलिए ये गलत हो गया मलेरिया की बात करें तो मलेरिया बच्चों यहाँ पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है सही बात है लेकिन ये कह रहा है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मेल मेनोब्लिज नहीं फीमेल एनोब्लिज है वो बाइट करेगा तभी तो यहाँ पर ये मलेरिया होगा इसलिए रोंग हो गया बच्चों एक एस्केरिस के द्वारा होने वाला रोग है जिसे वो चेरिया बैंक्रोपटाई कहते हैं तो ये बात सही है

द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ तो आपको सबको पता है मेमोरी की प्रॉपर्टी के ऊपर ये डिपेंड है प्रोडक्शन इम्यून सिस्टम द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द द्लैंक तो आंसर आ जाएगा मेमोरी सेल तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हमारी मेरिट को ऑप करते हैं इसके बाद में फिर बच्चों एक क्वेश्चन दिया गया है एक टेबल का क्वेश्चन जिसमें अनेक ड्रग्स दी गई है मार्क मैचिंग विद ड्रग इनकरेक्ट मैचिंग की बात कर रहा है तो ये एक फॉर्मूला दिया गया है पेन किलर। ये पेन किलर नहीं होता। तो हम कहेंगे इनकरेक्ट मैच हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहां पर एक हो जाएगा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन की बात करें हम यहाँ फिर एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। प्लाज्मोडियम में लाइफ साइकिल से लिया गया क्वेश्चन है मलेरिया से लिया गया क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट विच डज नॉट गेट डाइजेस्ट इन द मॉस्किटो स्टोमक व्हेन इट सक इन्फेक्टेड ब्लड इच बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक पर्सन है प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड है और उसी को मॉस्किटो यहाँ पर बाइट करता है तो मॉस्किटो के अंदर कौन सी स्टेज जाएगी जिसका उसकी स्टमक के अंदर उसके एलिमेंट्री कैनाल में उसके गट में डाइजेशन नहीं होगा कौन सी स्टेजेज है तो हम कहेंगे इसमें गेमेटोसाइड है वो मॉस्किटो की इन्फेक्टिव स्टेज है और इसका डाइजेशन नहीं होता बाकी जितनी भी स्टेजेसोजोइट हो चाहेट हो चाहे सिग्नेट स्टेज हो इन सबका डाइजेशन हो जाता है जबकि गेमिटोसाइड्स के चारों तरफ एक एंटी एंजाइमेटिक लेयर बन जाती है और ये लेयर बनने के कारण तो उस गेमटोसाइड का डाइजेशन नहीं होता और ये बना लेते हैं यहाँ पर गेमिट्स का निर्माण कर लेते हैं फिर गैमिट्स है उसका फ्यूजन होगा फ्यूजन होकर उट्स का निर्माण होगा का इनिट्स उस शिष्ट में बदलेगी उस शिष्ट भी यहाँ स्पोरट में बदलेगा स्पोरट फिर यहाँ सेलैवा के अंदर जाके स्पोजॉइट में बदलेगा और जब वो फीमेल एनोव्रिज फिर बाइट करेगी तो स्पोरोजॉइट फिर नए ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट होगी और फीमेल एनोव्रिज के लिए यहाँ इन्फेक्टिव स्टेज है वो गेमेटोसाइट गई तो निश्चित तौर पे इस कंसेप्ट से आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लर्न किया है फिर एक और अच्छा क्वेश्चन ट्यूमर एनक्लोज इन कैप्सूल इज ये कैंसर से रिलेटेड है हमारी कैंसर सेल का एक करेक्टरिस्टिक है कैंसर सेल होती है इसके अंदर का नहीं होता इस कारण यहाँ सेल है वो डिवाइड माइटोसिस करती जाएगी और एक ग्रुप बना लेगी तो ग्रुप पे के चारों तरफ कुछ ऐसे ट्यूमर बनते हैं जिनके चारों तरफ कैप्सूल बनता है कुछ ऐसे ट्यूमर बनते हैं जिनके चारों तरफ कैप्सूल नहीं बनता जिनके चारों तरफ कैप्सूल नहीं बनता उसे हम नियोप्लाज में या मेटास्टेसिस कहते हैं जो हानिकारक होता है इसे मेलेग्लेन ट्यूमर भी कहते हैं जो शरीर में फैल गए किसी भी स्थान पर नए स्थान पर नए ट्यूमर यहाँ पर बना दिए जाते हैं इसलिए बच्चों हमारा ट्यूमर एनक्लोज एंड कैप्सूल की बात कर रहे हैं तो बेनाइन ट्यूमर है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि कैप्सूल है इसी प्रकार के ट्यूमर के चारों तरफ है और बहुत ज्यादा हानिकारक भी नहीं है इस प्रकार का ट्यूमर उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहां 29 कंपेयर टू ए बुल एंड ब्लॉक इट डोसाइल बिकॉज़ ऑफ यहाँ एक सांड की तुलना एक बेल को पालना आसान होता है क्योंकि उसमें तो बच्चों हमें बताया हम एक फार्मर है और फार्मर है, जब खेत के अंदर जब फील्ड के अंदर किसी पशु को किसी एनिमल को यूज करता है तो अब इसमें देखिए हम बुल और बुलॉक के या हम सांड और बैल देखें तो सांड का उपयोग नहीं करता क्यों नहीं करता इसका कारण यह है बच्चों जो फार्मर होते हैं उससे जो बछड़े पैदा होते हैं उन बछड़ों में यदि बुल बनाना है या इसे बुल्लोक बनाना है ये डिपेंड करता है उस फार्मर पर यदि उसे यहाँ पर बैल बनाना है बैल बनाना है तो प्रावस्था में उसके जो टेस्टिकल्स है उसमें से टेस्टीज को हटा दिया जाता है और टेस्टीज हटाने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है फ्यूचर के अंदर स्रावित नहीं होगा सीक्रेशन नहीं होगा और जो नहीं होगा तो आपको पता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर नहीं आएंगे एक्साइटमेंट एकसा, नहीं आएगा उसके अंदर किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं आएगी और एक आसानी से उसको हम यूज में ले सकते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा यहाँ पर लोअर लेवल ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा यहाँ ये कर कंपेयर टू तो दी बुल एंड ब्लोक की बात कर रहा है सांड की तुलना में बैल को पालना आसान है क्यों क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का स्तर है वो कम होता है लो लेवल ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन क्योंकि हमने टेस्टिज यहाँ से निकाल दिया तो टेस्टोस्टेरोन बच्चों यहाँ से हट गया या निकल गया तो ये जिससे वो फिर एक सामान्य एनिमल की तरह रहता है और जिसका हम किसी भी कार्य में यूज में ले सकते हैं इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा टू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्टी रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं प्लांट प्रे, एनिमल प्लांट एनिमल एनिमल ब्रीडिंग 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 और का एक चैप्टर है उसमें एनिमल से है। उसमें से दिए गए हैं हम कहेंगे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट है वो सही है कौन से रोंग है तो हम कहेंगे यहाँ मूल इज डेवलप बाई द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है म्यूल का डेवलपमेंट किससे हो रहा है म्यूल में खच्चर किससे हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर हॉर्स और डंकी के रिप्रोडक्शन से यहाँ मेटिंग से म्यूल का डेवलपमेंट होता है इससे फर्टिलाइजेशन का नाम दे दिया गया इंटर स्पेसिफिक तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है ग्रुप ऑफ बी इज कार्डा स्वार्म ये भी बच्चों यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ ग्रुप ऑफ बी इज ए कार्ड यहां पर स्वार्म की बात कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे यहां स्वार्म कहेंगे या नहीं कहेंगे तो स्वार्म कहेंगे यहां पर यह भी आपके पास में करेक्ट स्टेटमेंट है इसके बाद ओनली फॉर द हर्ड इंप्रूवमेंट क्रॉस ब्रीडिंग इज एम्प्लॉय यह कह रहा है बच्चों संकरण केवल गो पशु के सुधार में किया जाता है यह गलत बात है सभी प्रकार के पशुओं के सुधार में संकरण किया जा सकता है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया फिर इसके बाद में यहां पर कह रहा है कि बी आर द पोलिनेटर डायरेक्टर ऑफ एप्पल ब्रेसिका पियर एंड सन फ्लॉवर ये एनसीआरटी की एग्जेक्ट लाइन है तो ये आपका करेक्ट आंसर है फिर मोइट फर्टिलाइज एग एट सिक्स टू एट सेल स्टेज इज द रिकवर्ड नॉन सर्जली सर्जिकली तो सिक्सटी सिक्स टू एट ओम डेवलप किए जाते हैं नॉन सर्जिकल निकाल सकते हैं ये कह रहा है सेल स्टेज नहीं सिक्सटीन सेल स्टेज जो क्लिवेज होने के बाद में लास्टोमिर बनते हैं उसको निकाल के डिफरेंट डिफरेंट सरोगेट मदर में इसे ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन किया जाता है जिससे अलग अलग बॉम्बे में अलग अलग यहाँ पर एक हाई क्वालिटी का यहाँ एनिमल डेवलप होता है तो आपके पास में फर्स्ट राइट है सेकंड राइट है और फोर्थ राइट है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ट्रू स्टेटमेंट है तो ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद में हम फिर चलते हैं आगे थर्टी वन स्टेटमेंट के स्टेटमेंट का क्वेश्चन है थर्टी वन क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन आता है इसमें ये कह रहा है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है ग्रीन रिवोल्यूशन है इज रिलेटेड विद द फिश ये बस सही बात है ये भी पता है आपको मोइट स्टैंड फॉर द मल्टीपल ओवलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक ये भी सही बात है तो आपका स्टेटमेंट नंबर एक और स्टेटमेंट नंबर दो है ये करेक्ट आंसर है सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों इसके बाद में हम गए थर्टी टू दे अपियर अबाउट द 1.5 मिलियन ईयर एगो इन मिडल प्लिस्टोसिन प्रोबेबली एट मीट ये मीट खाते थे एंड देयर क्रेनियल कैपेसिटी वर नाइन हंड्रेड दो फीचर्स बेस्ट डिस्क्राइब बिन बिन ने यहां पर हुन जो दे रखे हैं उनके कुछ करेक्टर देखे बेस्ट करेक्टर है वो किसका यहां पर बताया गया है तो बेस्ट करेक्टर बच्चों यहां पर है अलग अलग है होमो हेबिलस नो ये मिलता है बच्चों किसी होमो इरेक्टस से ज्यादा मिलता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर टू नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हु द ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन सिमिलर टू डार्विन डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी इन्होंने गैलापेगोज तो आइलैंड पर काम किया फिर ये कह रहा है कि डार्विन ने उसके जैसा वेलेस ने काम किया किस आइलैंड पर काम किया तो मलय आर्ची पर काम किया तो ऑप्शन नंबर टू अल्फ्रेड वेलेस ने ऐसा ही काम किया था तो यहाँ पर है आंसर नंबर टू है वो आपका यहाँ करेक्शन जो क्वेश्चन नंबर थर्टी है उसमें ऑप्शन नंबर टू है वो आपका करेक्ट आंसर होगा उसके बाद में ये थर्टी फोर क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है व्हाट आर दी टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा जैसे ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन ये टू कंसेप्ट है की है।, तो है जिसके द्वारा नई नई जातियों का न्यू स्पीशीज का ओरिजिन हुआ है ब्रांचिंग अनेक ए, ए से बी मान लो ए है ए से यहाँ पर बनी ए टू बनी से यहाँ पर ए थ्री बनी ए फोर बनी तो ये क्या बता रहा है एक ब्रांचिंग डिसेंट ब्रांचिंग डिसेंट में जब नए नए ग्रुप बनते हैं नई नई स्पीशीज बनती है नए नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं है, किस कारण बनते हैं नेचुरल सिलेक्शन के कारण बनते हैं तो ये ऑप्शन नंबर एक है बच्चों ये आपका एक एक करेक्ट आंसर है इसके बाद में नेक्स्ट होमोलोगस ऑर्गन है सिंपल सा क्वेश्चन है होमोलोगस ऑर्गन जिसमें ओरिजिन सेम हो और फंक्शन यहाँ पर डिफरेंट हो उसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन होमोलोगस ऑर्गन जिस मेथड से डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन इसी के लिए अडेप्टिव रेडिएशन वर्ड काम में लिया जाता है और जो इवोल्यूशन यहां पर होता है इस इवोल्यूशन को हम बोलते हैं यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है वो इसी प्रकार के ऑर्गन को डेवलप करवाता है तो अनेक एग्जांपल आपने देखे हैं डार्विन फिंचेज इसी का एग्जांपल है इसके बाद में मार्सुबियल है वो इसी का एग्जांपल है इसके बाद यूथीरियन है वो भी इसी का एग्जांपल है यहाँ तो एक कॉमन पेरेंट है जिससे आपके अनेक यहाँ पर ग्रुप्स अनेक स्पीशीज है वो बन गई है तो इसी हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन इसके बाद में बच्चों फिर सेक्शन बी में आते हैं बी फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देता है जेंटिक्स का क्वेश्चन है कि एक मानव मादा हिमोफीलिया से ग्रसित होती है तो उसमें कौन सा यहाँ पर है ये सही होगा मानव के केस में दिया है और फीमेल यहाँ पर है हिमोफीलिया से ग्रसित है तो हम दिए गए स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि ज्यादा बेटर कौन है तो हाँ ह्यूमन फीमेल विल बी ए इफ़ बोथ ऑफ हर पेरेंट आर आल्सो हेमोफिलिक ये कह रहा है कि ये पेरेंट है ये हेमोफिलिक हो ये हेमोफिलिक हो ये बात कह रहा है और ह्यूमन फीमेल के कब आएगी जब ये दोनों यहाँ पर है हिमोफिलिको नहीं गलत बात है ये ये रहा है हर मदर इज कैरियर एंड हर फादर इज एजेख केस क्या हो सकता है एक्स 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 एच एच एक्स, एक्स, ये केस हो जाए तो इस केस के अंदर सबसे बेसिक या बेस्ट डिफाइन हम यहाँ पर है इसको कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू है आपका यहाँ पर बेस्ट डिफाइन कर रहा है तो टू नंबर ऑप्शन में हम यहाँ पर बताए ये कंडीशन होगी तो यही हमारे पास में यहाँ पर है है एक फीमेल है वो हीमोफिलिक बनेगी हालांकि इसके अंदर भी बंदी है लेकिन इसमें क्या है फीमेल भी हीमोफिलिक चाहिए या जो मदर है वो भी हीमोफिलिक हो तभी तो यहाँ केस है लेकिन एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर टू नंबर ऑप्शन इसके बाद में हम देखें यहाँ फिर थर्टी सेवन रिगार्डिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखे हैं किसके केस में यहाँ पर कुछ जेनेटिक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे है। हैं उन स्टेटमेंट को देख के हमें बताना है कितने स्टेटमेंट सही है और कितने स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है वो पहचान करना है तो ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति में एक गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति मोनोसोमी कहलाती है टू एन माइनस वन कहलाती है ये कह है रहा है प्लस वन तो गलत हो गया किसी व्यक्ति में एक गुणसूत्र युग्म के एक गुणसूत्र की कमी ट्राई कहलाती है टू एन प्लस वन कहलाती है ये कह रहा है माइनस वन कहलाती है तो गलत हो गया में। उत्पन्न होता है बिल्कुल सही बात है कैंसर कोशिकाओं में मुख्यतः पाई जाती है कैंसर सेल आर है तो आपके पास में ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है और दो स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन नंबर थर्ड में ये है दो स्टेटमेंट है तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद में थर्टी एट क्वेश्चन ये भी सेक्शल डिटर्मिनेशन का एक क्वेश्चन है मेल इंट्रोगेमी एंड फीमेल इंट्रोगेमी रेस्पेक्टिवली फाउंड इन किसके अंदर है मेल इट्रोगेमी मीनिंग एक्स वाई और फीमेल इंट्रोगेमी इसका मीनिंग यहाँ पर जेड डब्ल्यू ये दोनों ही इंट्रोगेमी किसके अंदर होता है ये बर्ड्स के अंदर होता है ह्यूमन के अंदर होता है तो ये सिंपल सा आपके पास में ऑप्शन था थर्ड नंबर ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद में प्लांट ए प्लांट जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड थ्री जीन आर लिंक्ड देन इट विल प्रोड्यूस लिंक्स ग्रेन इन रेशियो ये आपके पास में एक जीनोटाइप दिया है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें कह रहा है कि जीन ए जीन बी जीन टी लिंक्ड है तो लिंकेज का एक कंसेप्ट है जब टू और मोर डोमिनेंट जीन या टू और मोर जीन ये आपस में लिंक होते हैं तो हाइब्रिड हो चाहे बदल देता है तो ये कह रहा है कि लिंक्ड है तो क्या कौन सा रेशियो यहां पर उत्पन्न होगा इसके अंदर तो ये हाइब्रिड है प्रोड्यूस पोलन ग्रीन की बात कर रहा है पोलन ग्रीन है वो क्या इसके अंदर ये प्रोड्यूस करेगा तो इसके अंदर बच्चों हम यहाँ पर कहेंगे इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर वन इस टू वन टेस्ट क्रोस की बात है ये टेस्ट क्रोस में हम कहेंगे है वो यहाँ पर प्राप्त करेगा हालांकि F2 टू जनरेशन हो जाए तो हम थ्री टू वन भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं तो ध्यान दें यहाँ यदि एप टू जनरेशन यदि सेल्फिंग करवाई जाए तो थ्री इज टू वन प्राप्त कर सकते हैं यदि हम पोलन ग्रीन कर रहे गेमिट की बात कर रहा है गेमिट की बात कर रहा है तो टेस्ट क्रोस से रिलेटेड बात कर रहा है तो तो प्राप्त करेगा इसके बाद में कंडीशन तो, पर डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन नंबर एक आएगा या ऑप्शन नंबर तीन आएगा ध्यान दें यहाँ पर कि क्या ये पूछना चाह रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चालीस हाउ मैनी बाउंड बिटवीन दी चेन ए एंड बी मेच्योर इंसुलिन इन ह्यूमन इंसुलिन की बात करें इंसुलिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं कितने बॉन्ड होते हैं तो हमें पता है टू बॉन्ड होते हैं हालांकि ये क्वेश्चन फिर यहाँ पर एक बोटनी का क्वेश्चन है तो इसलिए आप इस पर ध्यान न दें फिर अब हम देखेंगे जुलोजी का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर फोर्टी फोर क्वेश्चन आता है और फोर्टी फोर क्वेश्चन हम देखेंगे बर्थ कैनाल क्या है तो रिप्रोडक्शन का फिर क्वेश्चन आ गया बर्थ कैनाल बच्चों हमने बताया कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना ये दोनों मिल के क्या बनाती है एक है, बर्थ के नाल बनाती है यहाँ पर उसके बाद में फोर्टी फाइव इफ वी कुड कुटर दी अमाउंट ऑफ टोटल गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन दी प्रेग्नेंट वुमेन ध्यान दे प्रेग्नेंट वुमेन की बात कर रहा है गोनेडियल एक्टिविटी की बात कर रहा है तो क्या इसके अंदर नहीं है वी वुड एक्सेप्ट ये वी वुड एक्सेप्ट यदि हम गर्भवती महिलाओं में कुल गोनेडोट्रोपिन गतिविधि की निगरानी कर सकते हैं तो उम्मीद करेंगे यहाँ पर क्या उम्मीद हम उम्मीद क्या करेंगे किसके कि सिवाय हम उम्मीद करेंगे तो हम में और का उच्च स्तर एंडोमेट्रियम की मोटाई को प्रेरित करता है बच्चों पर थोड़ी सी इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा बट तो एक्सेप्ट की बात कर रहा है क्या उम्मीद करेंगे तो ध्यान दें यहां तो ये कह रहा है गर्भाशय में एफ एस एच और एल एच का उच्च स्तर एनोमेट्रियम की मोटाई को प्रेरित करता है बात सही है लेकिन डायरेक्ट नहीं करता परंतु किसके अंदर नॉन प्रेग्नेंट में भी करता है इसलिए हम उम्मीद नहीं कर पाएंगे ये के आरोपण को प्रेरित करता है एफ और एल का प्रसारित करने का उच्च स्तर ये बात भी सही है लेकिन अगर क्वेश्चन गर्भवती महिलाओं की बात कर रहे हैं तो ये भी नहीं होगा गर्भाशय में एच का उच्च स्तर एंडोमेट्रियम की मोटाई को प्रेरित करता है ये बात भी हमारे ठीक है गर्भाशय में एच का उच्च स्तर एंडोमेट्रियम की मोटाई एच नहीं करता है एच सी जी यहाँ पर कार्पसलिटी को मेंटेन कर रहा है इसलिए और साथ में प्रोजेस्ट्रॉन स्थापित कर रहा है तो ये भी नहीं होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन संश्लेषण को प्रेरित करने के लिए एच का उच्च स्तर एच का उच्च स्तर ये आपको बच्चा यहाँ पर एक्सेप्ट है किसे गर्भा गर्भकाल की अवस्था में जो होने वाला गोलेडोटोपिन एक्टिविटी है उसमें ऑप्शन नंबर चार है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्टी है Villi and a पर होगा. क्या बनता है तो प्लेसेंटा यहाँ पर बनेगा इसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर टू एज ऐसी प्रेग्नेंसी जिसमें ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन यूट्रस में न होके अदर देन यूट्रस फेलोपियन ट्यूब में या वेजाइना में हो तो इसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेग्नेंसी इसके लिए आंसर यहाँ पर सटीक जाता है इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस ये आपका सटीक आंसर जाता है तो हम कहेंगे यहाँ फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ हो जाएगा इसके बाद में फिर कह रहा है बच्चों दॉन प्रिपरेशन सबको पता है बच्चों की ऐसी कौन सी सी डी आर सी डी आर आई के द्वारा एक यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई गई है जो वीकली ली जाती है लेकिन स्टोयडल नहीं है नॉन स्ट्रोडल है सेंटेक्रोमिन इसके अंदर केमिकल होता है जो एस्ट्रोजन को इनिबिट कर रहा है एस्ट्रोजन की रिसेप्टर को इनिबिट करता है तो सहेली नामक लखनऊ के सी डी आर आई ने बनाई है तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद में फिर एक या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन कॉन्ट्रासेप्टिव तो दिए गए कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव है तो ये नोर प्लांट सामने डायग्राम दे रखा है एनसीआरटी का डायग्राम है नोर प्लांट है जो हार्मोन की बेस पर ये फंक्शन करता है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है फिफ्टी रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें कह रहा है कि अबाउट टू थाउजेंड मिलियन ईयर एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ये बिल्कुल यहाँ एनसीआर टी की लाइन है कि फर्स्ट लाइफ कब आई थी यहां तो हम कहेंगे यहां पर टू थाउजेंड मिलियन ईयर एगो पूर्व यहाँ पर आई थी इसके बाद में दूसरा दे रहा है बाई द टाइम ऑफ फाइव हंड्रेड मिलियन एक्टिव ये बात भी सही है तो दो बहुत स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हेलो स्टूडेंट माय सेल्फ राहुल मिश्रा टीम बॉटनी सीएलसी सीकर आज हम यहां डिस्कस करते हैं दंगल का सेकंड पेपर चलिए इसमें डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 51 से 51 देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए इसमें डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोराइड्स का एक लंबा बहुलक है यहाँ पर आप कह सकते हैं डी एन ए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सीडाइवो न्यूक्लियोटाइट्स बिल्कुल राइट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखा है दूसरा देखिए डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करती है बिल्कुल सही जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतनी ज्यादा इसकी लंबाई होगी लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली यूज डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स राइट है डीएनए अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है यस yes, बिल्कुल मोस्ट ऑफ के के अंदर जो डीएनए है वो एज जेनेटिक मटेरियल फॉर्म में फंक्शन करता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है नेक्स्ट देखिए फोर्थ डीएनए में चार प्रकार के नाइट्रोजनी छाड़ तथा एक प्रकार की पेंटा होती है ये गलत दे दिया इसमें पेंटा नहीं होती बल्कि पेंटोज सुगर होती है कौन सी सुगर होती है पेंटोज सुगर होती है तो ये स्टेटमेंट गलत दे दिया है तो इसमें आंसर आएगा फोर्थ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट तथा सरकरा के हाइड्रोक्सिल समूह के मध्य कौन सा बंध होता है यानी कि अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड में यहां एक पेंटोज सुगर हम लेते हैं यहां ऑक्सीजन लगा होता है ठीक है अब उनने बोला है कि यहां पर जो फॉस्फेट है और सरकरा तो यहां अगर मैं बात करूं ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड, ये थर्ड ये फोर्थ और यहाँ होता है फिफ्थ कार्बन सी एच टू ओ एच और यहां जुड़ता है फॉस्फेट फॉस्फेट में अगर हम कहें ओ OH. एच तो ये जब जुड़ते हैं तो एच टू ओ निकल जाता है और एच टू ओ निकलने के बाद यहाँ बॉन्ड बन जाता है ये फॉस्फेट ग्रुप का तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है फॉस्फो एस्टर आंसर आएगा सेकंड तो आप कह सकते हैं कि ये जो द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सुगर इज नोन एज फॉस्पो एस्टर बॉन्ड आंसर सेकंड नेक्स्ट वॉटसन क्रिक नमूने के अनुसार डीएनए की दोनों पोलिन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जो यानी कि वाटसन क्रिक मॉडल में जो दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं वो कैसे अरेंज होती हैं तो आपको पता है डीएनए की ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होती हैं और इसमें एक की पोलरिटी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है तो दूसरे की पोलेरिटी थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम होती है यानी कि एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन अपोजिट है इसको बोलते हैं हम एक दूसरे के प्रति समानांतर यानी कि एंटी पैरेलल टू ईच अदर आंसर सेकंड नेक्स्ट न्यूक्लिक अम्ल में एक न्यूक्लियोटाइड का एक सरकरा का ये अनुवर्ती न्यूक्लियोटाइड की सरकरा के वाई से फॉस्फेट समूह द्वारा जुड़ा होता है यानी कि मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है यहां पर ये राइबोस शुगर है इस राइबोस शुगर के साथ यहां क्या जुड़ा होगा फॉस्फेट ठीक है अब यहां जुड़ा होगा नाइट्रोजिनस बेस यहां अगर मैं राइवोस डीऑक्सी ऑक्सी राइवो जब कोई भी शुगर है पेंटोस शुगर उसके यहां पर अगर थ्री प्राइम की बात करूं तो थ्री प्राइम पर ओ OH एच ग्रोप होता है कौन सा होता है थ्री प्राइम पर ओ OH. एच और जब अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो उसमें यहां होगा फॉस्फेट फाइव प्राइम पर और इस फॉस्फेट के पास होगा ओ OH. एच तो उसमें क्या बोला है कि न्यूक्लिक अम्ल में एक न्यूक्लियोटाइट का सर्करा का ये अनुवर्ती नु... क्या है एक्स की जगह सर्करा का कौन सा कार्बन होगा थ्री प्राइम तो थ्री प्राइम कार्बन अनुवर्ती यानी कि अगले न्यूक्लियोटाइड की सरखरा के फाइव आ, फाइव डैश कौन सा होगा फाइव डैश कार्बन के समूह द्वारा जुड़ा होता है तो आंसर आ जाएगा इसमें सेकंड तो ध्यान रखना इसमें आंसर क्या आ जाएगा सेकंड जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें फॉस्फेट मोइटी जो है लिंक होता है किससे थ्री डैश कार्बन से जबकि अगले न्यूक्लियोटाइड का जो फाइव प्राइम पर क्या होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो उससे जुड़ता है तो आंसर क्या जाएगा सेकंड नेक्स्ट निम्न में से कौन सा प्यूरिन डीएनए और आरएनए दोनों में उपस्थित होता है अगर मैं प्यूरिन की बात करूं तो प्यूरिन में आता है एडिनिन और ग्वानिन ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं डीएनए एंड आर में लेकिन इसमें से हमें एक देखना है तो इसमें आंसर आ जाएगा थर्ड एडिनिन आंसर क्या आ जाएगा थर्ड अगला देखिए असीम केंद्र की डीएनए एन आवेश कुछ प्रोटीन धनावेश से बंद कर एक जगह पर स्थित होते हैं जो कहलाता है यानी कि प्रोकैरियोटिक के जो डीएनए होता है वो होता है निगेटिव चार्ज ये किसके साथ जुड़ा होता है सम प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है और प्रोटीन होती है पॉजिटिव चार्ज वो जुड़कर किस रीजन में प्रेजेंट होता है तो ध्यान रखना अगर मैं प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरियल सेल की बात करूं तो बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए होता है प्रोटीन के साथ अटैच होकर उसके सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है और सेंटर पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोइड क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड या केंद्र काव तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड नेक्स्ट निम्न में से कौन से लक्षण न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित है यानी कि यहां हमें न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड कैरेक्टर्स की बात करनी है देखिए पांच कार्बन मोनोसेक्राइड की उपस्थिति बिल्कुल सही है फाइव कार्बन का एक मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होता है जैसे सुगर होती है पेंटोस पेंटोसुगर यह बिल्कुल राइट है प्रेजेंस ऑफ फाइव कार्बन मोनोसेक्राइड अगला देखिए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है अम्ल सही है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सही है आनुवांशिक पदार्थ होता है न्यूक्लिक एसिड ये भी राइट है जेनेटिक मटेरियल है प्रकृति में सूक्ष्म जैव अणु है ये गलत है ये कभी भी माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स नहीं है बल्कि कैसा होता है मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है तो ये गलत हो गया तो यहां अगर हम देखें जेनेट न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड ओनली ए बी और सी सही है ए बी एंड सी आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट किस कारण आरएनए डीएनए से कम स्थायी होता है यानी कि आरएनए की अगर मैं बात करूं डीएनए के कंपेयर में आरएनए कि स्टेबिलिटी कम होती है तो उसका रीजन क्या है सबसे पहला रीजन होता है कि ये जो आर एन है इसमें सुगर होती है राइबोज कौन सी सुगर होती है राइबोज और राइबोज के सेकंड प्राइम कार्बन पर एक ओ OH होता है जबकि डीएनए में डी ऑक्सी सुगर होती है उसमें ऐसा नहीं होता तो एक तो ये आएगा दूसरा देखिए डी की उपस्थिति गलत आर में डी होता नहीं है थामीन की जगह यूरे की उपस्थिति सही है आरएनए में क्या होता है यूरेसिल होता है जबकि डीएनए में क्या होता है थाइमीन होता है तो यूरेन के कंपेयर में कम स्टेबल होता है इसीलिए आरएनए की स्टेबिलिटी घटा देता है तो इसमें आंसर आ जाएगा फोर तो ध्यान रखना आर एन ए लेस स्टेबल क्यों है क्योंकि उसके सेकंड प्राइम पर ओ एच ग्रोप होता है और साथ ही साथ उसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है थाईमीन की जगह तो आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ डीएनए पॉलीमरेज के क्रियाधार है यानी कि डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है जब वो अपनी एक्टिविटी शो करता है तो इसके लिए सबस्टेट के फॉर्म में क्या लगता है तो ध्यान रखना यहां सबस्टेट के फॉर्म में लगता है डी ऑक्सीडाइव न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्पेट शॉर्ट में हम बोलते हैं डी एन टीपीस आंसर आ जाएगा फोर्थ नेक्स्ट गलत कथन को चुनिए साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में सामान्य होता है बिल्कुल सही आप कह सकते हैं साइटोसिन डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है थाईमीन रासायनिक रूप से फाइव मिथाइल यूरेसिल होता है बिल्कुल सही है अगर मैं थाइमीन की बात करूं तो इसको हम फाइव मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं बिल्कुल सही है यहां पर डीएनए तथा आरएनए दोनों में उपस्थित होते हैं बिल्कुल सही है मैंने अभी आपको बताया था कि प्यूरिन्स में एडिनिन ग्वानिन आते हैं तो एडिन ग्वानिन डीएनए और आरएनए दोनों में ही उपस्थित होते हैं फोर देखिए न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन नहीं हो सकता गलत है पहली बात तो न्यूक्लियोसाइड हम किसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं जब पेंटोज सुगर ये मान लीजिए ये क्या है मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया सुगर तो पेंटोज सुगर के साथ जब क्या जुड़ता है यहां पर नाइट्रोजीनस बेस क्या जुड़ता है नाइट्रोजीनस बेस तो इन दोनों के जुड़ने से ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजिनस बेस और सुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं बीटा beta... सॉरी एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहां एक गलत है इसको बोलते हैं हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो इस केस में जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गए और दोनों अलग हो सकते हैं लेकिन यहां क्या बोल लखा अपघटन नहीं होता तो ये गलत स्टेटमेंट दे दिया आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ तो ध्यान रखना न्यूक्लियो का हाइड्रोलिसिस हो सकता है आंसर क्या आ गया फोर्थ नेक्स्ट पेनीसिलियम में निम्न में से कौन सी अलैंगिक जनन संरचना बनती है यानी कि ए सेक्चुअल प्रोडक्शन जो होगा पेनिसलियम में वो किसके थ्रू होता है तो ध्यान रखना पेनीसिलियम में बनते हैं कॉनिडिया बनते हैं कॉनिडिया कॉनिडिया के थ्रू इसमें ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगा आंसर सेकेंड नेक्स्ट देखिए किसमें लैंगिक जनन समय की प्रकार का होता है यानी कि आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा रिक्सिया में होता नहीं है में है नहीं साइकस में है नहीं आंसर आ जाएगा एलगी का एग्जांपल क्लेडोफोरा तो ध्यान रखना क्लेडोफोरा में आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आंसर थर्ड नेक्स्ट किसको छोड़कर सभी आंतरिक निषेचन दर्शाते हैं यानी कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सेप्ट तो ध्यान रखना ब्रायोफाइट्स की बात करें इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है अनावरत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म की बात करें इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है अगर मैं एनजीओ स्पर्म की बात करूं इंटरनल फर्टिलाइजेशन है लेकिन अगर मैं अधिकांश सेवाल या मोस्ट ऑफ एलगी की बात करूं तो इसमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो आंसर क्या जाएगा सेकंड नेक्स्ट देखिए इसमें 64 सही मिलान का चयन कीजिए जनन बिना निषेचन के बीज का निर्माण यानी कि एपोमिक्सिस में सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन बिल्कुल राइट है अनिशेक फलन बिना निषेचन के सीधे अंडे से नए जीव का निर्माण गलत है यहां फलन पार्थिनो कार्पी हम किसको बोलते हैं जब विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं हम तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे दिया अगला देखिए बहुभ्रूणता एक भ्रूण कोश में एक से अधिक अंड कोशिका का होना गलत है ये पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन नहीं होती पॉली एम्ब्रियोनी होता है जिसमें एक ओब्यूल के अंदर कई सारे एम्ब्रियो मोर देन वन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब उसको बोलते हैं क्या पॉली एम्ब्रियोनी लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एंब्रियो गलत है। यानि e अवांछित पराग कणों से इसके संदूषण को रोकने के लिए पुष्पों के वर्ती कागर को ढकना गलत विपुंसन होता है कि फ्लॉवर से परिपक्व होने से पहले ही एंथर को काटकर अलग कर देना तो इसको बोलते हैं हम विपुनसन तो ये गलत स्टेटमेंट दे दिया कवरिंग ऑफ स्टिग्मा ऑफ लोबरी ये गलत है इसको हम बोलते हैं कवरिंग को यहां पर बैगिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट जो राइट right स्टेटमेंट दे रखा है नेक्स्ट सजात पुष्पी परागण के संदर्भ में एक इनकरेक्ट को हमें चूज करना है यानी कि जिटेनोगेमी के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट ऑप्शन को हमें देखना है तो पहला देखिए पराग कणों का पराग से उसी पादप के दूसरे पुष्प के पर स्थानांतरण तो ये बिल्कुल है इसी को हम बोलते हैं तो एंथर अनदर बीच में जो पोलन का ट्रांसफर होगा वह अगला देखिए यह कार्यात्मक रूप से पर परागण है लेकिन आनुवांशिक रूप से स्वयुग्मन के समान होता है बिल्कुल सही क्योंकि प्लांट एक है तो जीन्स वैसे ही है तो इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं जेनेटिकली ये कैसा है सेल्फ या ऑटोगेमी। अगला देखिए एक लिंगाश्री स्थिति सजात पुष्पी परागण को रोक सकती है बिल्कुल सही है एक लिंगाश्रय स्थिति का मतलब एक प्लांट पर ओनली मेल फ्लावर है दूसरे प्लांट पर ओनली फीमेल फ्लावर है तो आपको पता है इसमें चूंकि एक प्लांट पर एक ही टाइप के फ्लावर है एक ही सेक्स ऑर्गन है तो इसमें कभी भी जिटेनोगेमी नहीं हो सकती तो यहाँ डायोसियस कंडीशन कैन प्रिवेंट जिटेनोगेमी बिल्कुल राइट है अगला देखिए यह तो आनुवांशिक विविधताओं को बढ़ाने में मदद करता है यह गलत हो गया क्यों हो गया गलत क्योंकि आपको पता है जिटेनोगेमी के अंदर जेनेटिकली सेल्फ पॉलनग्रीन है तो ये कभी भी आनुवांशिक भिन्नता या जेनेटिक आप कह सकते हो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते और हमें गलत ऑप्शन देखना था तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें फोर्थ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सिक्सटी सिक्स देखिए भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका के लिए सही कथन का चयन करना है हमें सही लक्षण का करेक्ट फीचर फॉर लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक अब देखिए सबसे पहली बात एम्ब्रियो सेक की अगर मैं बात करूं जैसे ये मान लीजिए एम्ब्रियो सेक है इसमें ऊपर की तरफ यहां मैंने शो कर रखा है एग एपरेटस बीच में ये बड़ी कोशिका है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल और ये यहाँ पर एंटीपोडल सेल या प्रति कोशिका तो देखिए पहला पॉइंट ये जो सेंट्रल सेल है वो तीन केंद्र की होती है गलत सेंट्रल सेल बाई न्यूक्लिएटेड होती है कितने केंद्रक होते हैं दो जिसको हम बोलते हैं दो ध्रुवीय है, केंद्रक तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया गलत ध्यान रखना सेंट्रल सेल थ्री न्यूक्लिएटेड नहीं होती बाई न्यूक्लिएटेड होती है अगला देखिए यह दुई केंद्र की है और युग्मक संलयन में भाग लेती है गलत सेंट्रल सेल कभी भी युग्मक संलयन में भाग नहीं लेती क्योंकि युग्मक संलयन या अगर मैं सिन गैमी की बात करूं तो सिन गैमी का मतलब होता है मेल फीमेल गैमिट का मिलना सेंट्रल सेल में कोई भी एग सेल या फीमेल गैमिट नहीं है इसीलिए यह सिन गैमी में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेगी अगला देखिए यह पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करने के लिए तंतु रूप समुच्चे रखती है यह भी गलत हो गया क्यों क्योंकि हमसे पूछा किसके लिए गया है बड़ी कोशिका यानी कि सेंट्रल सेल के लिए तो सेंट्रल सेल में कहीं भी फिलीफॉर्म एपरेटस नहीं होते इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है तो ध्यान रखना फिलीफॉर्म एपरेटस सेंट्रल सेल में नहीं होते अगला देखिए इसमें दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो त्री संलयन में भाग लेते हैं बिल्कुल सही यहां पर जब मेल गैमिट आएगा तो ये पोलर न्यूक्लियस जो दो पोलर न्यूक्लियस उसके साथ एक मेल गैमिट का न्यूक्लियस फीज होगा तो टोटल थ्री न्यूक्लियस फीज होंगे इसीलिए इसको बोलते हैं त्री संलयन या ट्रिपल फ्यूजन तो ये इसमें पार्टिसिपेट करता है तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ नेक्स्ट बीजांड के अध्यावरण के भीतर परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं देखिए अगर मैं ओब्यूल के स्ट्रक्चर की बात करूं जैसे मान लीजिए ओब्यूल का स्ट्रक्चर है यहां इंटेग्यूमेंट लेयर है ये इंटेग्यूमेंट्स के अंदर जो कोशिकाओं का एक समूह है इसको हम क्या बोलते हैं तो ध्यान रखना है इसको बोलते हैं बीजांड का है या न्यूसेलस तो आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड नेक्स्ट देखिए बीजी में 64 नर युग्मकोद्भिद उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी अब देखिए अगर हमें 64 नर युग्मकोद्भिद बनाने हैं नर युग्मकोद्भिद का मतलब है पोलन ग्रेन तो अगर मैं पोलन ग्रेन्स की बात करूं तो यहां पर जब एक पोलन मदर सेल कितनी एक पोलन मदर सेल में जब वन मियोसिस होगा एक बार तो मियोसिस से कितने बनेंगे चार ग्रेन बनेंगे। कितने बनेंगे चार लेकिन हमें बनाने कितने हैं चौसठ बनते एक बार में चार हैं एक मियोसिस से चार और चौसठ हमें बनाने हैं तो चौसठ में चार का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा सिक्सटीन यानी कि हमें क्या चाहिए सिक्सटीन पोलैंड मदर सेल चाहिए जिसमें सिक्सटीन टाइम्स क्या होगा सोलह है बार मियोसिस होगा तब जाके कितने बनेंगे चौसठ नर युग्म कोदित का निर्माण होगा तो आंसर आ जाएगा थर्ड तो ध्यान रखना हमें कितने चाहिए पड़ेंगे यहां पर सिक्सटीन मियोसिस अगला देखिए वे जीव जो तापमान की एक व्यापक परास को सहन कर सकते हैं खूब बढ़ते हैं वो कौन होते हैं ध्यान रखना ऐसे जो अगला देखिए खरगोश में बनने वाले जैव भार को माना जाएगा यानी कि जो रेबिट है वो अपना अगर बायोमास बढ़ाता है तो उसको हम क्या कहेंगे ध्यान रखना जब आप एनसीआर पढ़ोगे के लिए लिख रखा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी कि कंज्यूमर लेवल पर जो भी वहां पर उत्पादकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो आंसर क्या जाएगा इसमें फर्स्ट जैव भार के निर्माण में कौन सा कारक जिम्मेदार होता है मेजर बायोम्स तो मतलब मेजर बायोम्स के निर्माण में कौन सा कारक जिम्मेदार है तो देखिए एनसीआरटी में क्लियर लिख रखा है जब जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर में एनुअल वेरिएशन होता है उसकी इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन में तो यहाँ पर इस वेरिएशन के साथ साथ जब एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण में जो वार्षिक भिन्नता आती है उसको भी जब हम जोड़ देते हैं तब जाकर बनता है डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें फोर्थ नेक्स्ट देखिए पारितंत्र के सभी मापदंड जैसे जैव भार संख्या और ऊर्जा में कौन से पारितंत्र हमेशा सीधे बनते हैं यानी कि यहां पर आपको कुछ बायोम्स बायोम्स दे रखे हैं इन में आपको देखना है किसमें तीनों टाइप के पिरामिड मतलब उसके एनर्जी का पिरामिड उसके नंबर का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड तीनों के तीनों ही टाइप के पिरामिड सीधे हों अगर मैं वन पारितंत्र की बात करूं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो नंबर का पिरामिड होगा वो थोड़ा सा उल्टा बन सकता है ठीक है तो यहां पर पॉसिबिलिटी यहां पर थोड़ा सा नहीं होगी सीधे की घास पारितंत्र अगर मैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करूं तो ये सही आंसर चला जाएगा क्योंकि इसमें एनर्जी का पिरामिड वो तो हमेशा सीधा ही बनता है इसमें नंबर का पिरामिड भी सीधा है और बायोमास का पिरामिड भी सीधा है जबकि ये तालाब और नदी इनकी बात करें तो यहां पर चूंकि एक्विटिक इकोसिस्टम है तो इसमें जो बायोमास का पराम है वो उल्टा हो सकता है इसीलिए यहां पर ध्यान रखना कि इसका सही आंसर जाएगा सेकंड अगला देखिए वातावरण में पोषकों को निर्मुक्त करने की दर को कौन सा वातावरणीय कारक निर्धारित करता है यानी कि रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द एटमॉस्फेयर इज रेगुलेटेड बाय हम ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन जो होता है उसके थ्रू डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स या न्यूट्रियट्स कहाँ मिल जाते हैं एनवायरमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं तो इसके लिए मिट्टी भी डिपेंड करती है सॉइल इसके अलावा मॉइस्चर कंटेंट टेम्परेचर यानी कि इसमें आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस फोर इन सभी पर डिपेंड करेगा नेक्स्ट देखिए यहां आपको दो स्पीसीज बता रखी है ए बी और उसके सामने संबंध कौन सा गलत है वो हमें देखना है सहोपकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म में दोनों ही जाति को फायदा हो रहा है बिल्कुल सही है इसीलिए म्यूचुअलिम को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप तो ये सही मिलान दे रखा है करेक्ट मैचिंग है परभक्षिता यानी कि प्रीडेशन प्रीडेशन में एक को फायदा होता है और एक को नुकसान ये भी सही है जिसको फायदा होता है वो होता है पर्वक्षी और जबकि दूसरा शिकार होता है जिसको नुकसान होता है अगला देखिए सहभोजिता यानी कि कमन सेलिज्म कमन में जीरो और प्लस बिल्कुल सही है कमन सेलिज्म एक जीव को फायदा होगा जबकि एक को ना फायदा ना नुकसान होगा तो ये बिल्कुल राइट दे रखा है यहां पर अगला देखिए इसमें प्रतिजीविता यानी कि पैरासिटिज्म सॉरी प्रतिजीविता यहां अमनसेलिज्म अमनसेलिज्म की अगर मैं बात करूं तो अमनसेलिज्म नेगेटिव और जीरो टाइप का रिलेशनशिप है लेकिन यहां क्या लिख दिया नेगेटिव और नेगेटिव इसीलिए ये कैसा हो गया गलत तो हमें गलत मिलान सेलेक्ट करना था हमारा आंसर आ जाएगा 4 अगला देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय में कुल अकार्बनिक पदार्थों की संख्या यहां पर ध्यान रखना टोटल अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इस इस स्टैंडिंग स्टेट क्लियर एनसीआर में हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं इसको स्टैंडिंग स्टेट आंसर आ जाएगा सेकेंड नेक्स्ट देखिए स्थानिकता यानी कि एंडेमिज निम्न में से किस स्वस्थानीय संरक्षण विधि से संबंधित है वन ऑफ द फॉलोइंग इन इन की बात कर रखी है तो यहां पर अगर मैं बात करूं इन सिटू में जैसे यहां पर आ जाएगा तप्त तो क्षेत्र या हॉट स्पॉट ये जो हॉट स्पॉट होते हैं यहां पर कई सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं जो एंडेमिक कंडीशन में होती है यानी कि वो किसी और अदर रीजन में नहीं मिलती लेकिन इन रीजन में मिलती हैं तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या जाएगा फोर्थ सेवेंटी सेवन नंबर डोची गाम ये डोची गाम नेशनल पार्क है जो जम्मू एंड कश्मीर में प्रजेंट है और ये डोची ये प्रेजेंट होते हैं इसमें हंगुल हंगुल आप कह सकते हैं एक हिरण टाइप का ही एक जानवर है जो कहाँ प्रेजेंट होता है इस नेशनल पार्क में पेरियार नेशनल पार्क ये प्रेजेंट होता है केरला ये केरला में है नेशनल पार्क और ये किसके लिए फेमस है यहाँ पर हाथी मेन आपको मिल जाएंगे क्लियर अगर मैं कान्हा नेशनल पार्क की बात करूं तो इसमें चार सिंगों वाले हिरन और सिक्किम में आपको बर्फीले तेंदुए मिल सकते हैं ठीक है तो यहां पर क्या आ जाएगा डोचीगम में हंगुल पेरियार में एलिफेंट सिक्किम में स्नोलियोपाड़, काना फोर हॉर्न डियर तो इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट का सी सेकंड का डी थर्ड का ए फोर्थ का बी आंसर सेकंड चलिए क्या अनुपात होता है यानी कि एच एन ओ थ्री और एच टू एसओ फोर का क्या कंपोजिशन होगा किसमें एसिड रेन में तो ध्यान रखना इसमें थ्री रेशियो सेवन होता है यानी कि आंसर आ जाएगा सेकंड अगला देखिए नदी के एक विशेष खंड में उच्च जैव रसायन ऑक्सीजन आवश्यकता इंगित करती है यानी कि हायर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट इंडिकेट देखिए अगर मैं बीओडी की बात करूं अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो वाटर है वो कैसा है पॉल्यूटेड है वाटर कैसा है हाईली जितना ज्यादा होगा उतना ही हाईली पॉल्यूटेड वाटर होगा तो देखिए इसमें वह खंड प्रदूषण से मुक्त है गलत है वह खंड उच्च रूप से प्रदूषित है ये सही है जलीय जीवन फलना फूलना प्रारंभ हो चुका है गलत नदी में वायवीय जीवाणुओं की संख्या उच्च है गलत यहां पर आंसर क्या जाएगा सेकंड द सेगमेंट इज हाईली पॉल्यूटेड आंसर सेकंड नेक्स्ट एक गांव की समीपवर्ती झील में कुछ ही दिनों के भीतर मछलियों की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है इसके लिए निम्न कारणों पर विचार कीजिए यानी कि अलेक नियर अलेज सफ़, है, तो है पहला देखिए निकटवर्ती क्षेत्रों में उग रही फसलों पर भारी मात्रा में यूरिया और फॉस्फेट उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया था बिल्कुल यह हो सकता है अगला देखिए उस क्षेत्र में विमान द्वारा डीडीटी का छिड़काव किया गया था गलत है यानी कि ये बिल्कुल राइट है सही है the area was with DDT by an aircraft गलत है अगला देखिए झील का पानी हरा हरा तथा बदबूदार हो गया था ये भी राइट है द लेक वाटर टर्न ग्रीन एंड स्टिंकी बिल्कुल राइट है अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ कि ये किसके बारे में बोल रखा है ये सब यहाँ पर आपको बता रखा है यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड ठीक है तो ध्यान रखना ये यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं झील में आरंभ में पादप पादप्लवकों की संख्या घट गई जिससे प्रकाश संश्लेषण की बहुत कम हो गया था गलत यहाँ फाइटो की संख्या घटेगी नहीं बड़की बढ़ेगी तो ये गलत है तो यहाँ अगर मैं बात करू इससे रिलेटेड कौन कौन से हैं एक तो फर्स्ट और एक थर्ड तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट देखिए जनसंख्या आकार को अधिक तकनीकी रूप से जनख्या जनसंख्या गनत भी कहा जाता है इस संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए यानी कि ये जो पॉपुलेशन साइज है उसको हम क्या बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं तो इससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है पहला देखिए केवल संख्या में मापना आवश्यक नहीं है बिल्कुल राइट है ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम संख्या में ही माप सकते हैं उसको जैव भार के रूप में भी मान सकते हैं ठीक है थीके? दूसरा देखिए प्रति इकाई क्षेत्र जैव भार अथवा घनत्व से भी मापा जा सकता है बिल्कुल सही मैं अभी वही बोल रहा था कि इसे बायोमास के फॉर्म में भी मापा जा सकता है तो देखिए कैन बी एज बायोमास पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल्यूम नॉट नेसेसरीली बी मीजर्ड इन नंबर ओनली बिल्कुल राइट right स्टेटमेंट दे रखा है प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित सदस्यों की संख्या ये भी हम कह सकते हैं ये भी रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया तो यहां अगर मैं कहूं तो आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ ये तीनों के तीनों ही सही है नेक्स्ट देखिए किस स्तर से अधिक ध्वनि को प्रदूषण माना जाता है नॉइस लेवल क्या है तो ध्यान रखना इसमें 80 डेसिबल से ज्यादा जो होगा जितनी भी 80 डेसिबल से ज्यादा की हम साउंड सुनेंगे वो सब किसमें आ जाएगा नॉइस पॉल्यूशन में आंसर आ जाएगा सेकंड अगला देखिए जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है यानी कि मैग्निफिकेशन रेफर्स टू देखिए इधर भोजन के उपभोग के कारण जीवों की वृद्धि गलत है मैग्निफिकेशन ग्रोथ ऑफ ऑर्निज ड्यू टू फूड कंजप्शन गलत है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन साइज गलत है समष्टि के परिमाण में वृद्धि मनुष्य द्वारा वायुमंडलीय मृतकों का बढ़ना ब्लोइंग अप एनवायरमेंटल इश्यू बाय मैन गलत खाद्य श्रृंखला द्वारा जैव अन अपघट प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि यानी कि ऐसे कंटेंट जो कैसे हैं नॉन डिग्रेडेबल है पोल्यूटेंट नॉन डिग्रेडेबल है तो उसकी कंसंट्रेशन का इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन होती है उस फूड चेन के ईच लेवल पर उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होना इसी को हम क्या बोलते हैं बायो तो आंसर क्या आ जाएगा फोर अगला देखिए इसमें गोबर बायोकैस स्टेटिन मोनास्कस परप्यूरियस इथेनॉल सेक्रोमाइसिस और साइक्लोस्पोरिन ए फोर्थ तो ए का आ गया थर्ड बी का क्या आ गया फर्स्ट सी का क्या आ गया सेकंड तो आंसर आ गया फोर्थ नेक्स्ट देखिए थक्का स्फोटन यानी कि क्लॉट बस्टर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट ऑफ यानी कि ये किसका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है तो ध्यान रखना अगर मैं थक्का स्फोटन या क्लॉट बस्टर की बात करूं तो वो कौन सा है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है स्ट्रेप्टोकाइनेज ये एक एंजाइम है जो ब्लड क्लॉट को हटाने का काम करता है और ये किससे मिलता है ये मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस तो किसका प्रोडक्ट है स्ट्रेप्टोकोकस का आंसर आ जाएगा फोर्थ नेक्स्ट देखिए 86। निम्न का मिलान कीजिए तथा सही सुमेलित का चयन कीजिए अब देखिए आप यानी कि हमें मैच कराना है तो सबसे पहले संबंधन या स्प्लाइसिंग की बात करें स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इंट्रॉन का रिमूवल तो ध्यान रखना स्प्लाइसिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन नेक्स्ट देखिए ओका जा फ्रेगमेंट का जा फ्रेगमेंट कैसे होते हैं ये डिसकंटिन्यूस स्ट्रेंड होता है आप कह सकते हैं लेगिंग स्ट्रेंड अगला देखिए जैकब एंड मोनार्ड इन्होंने लैक ओपेर को डिस्कवर किया था तो ये क्या जाएगा लेक ओपेर अगर मैं इंड्यूसर की बात करूं तो लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर कौन होता है लेकटोज तो ध्यान रखना लेकटोज एज ए इंड्यूसर के फॉर्म में फंक्शन करता है तो ए का आ गया फोर्थ बी का आ गया सेकेंड सी का आ गया फर्स्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट देखिए दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए तो देखिए इधर फर्स्ट ऑप्शन दो न्यूक्लियोटाइड थ्री डैश फाइव डैश फोस्टो डाइस्टर द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइट का निर्माण करते हैं बिल्कुल सही है दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में उसको बोलते हैं थ्री डैश फाइव डैश फॉस्फोड आइएस्टर बॉन्ड ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है तो ध्यान रखना टू न्यूक्लियोटाइड जब लिंक होंगे तो उनके बीच में थ्री डैश फाइव डैश फॉस्फोड आइएस्टर बॉन्ड बनेगा और इससे बन जाएगा क्या फाइनली डाइन्यूक्लियोटाइड। अगला देखिए प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में वन डैश नाइन बंध पाया जाता है जबकि प्रीमिडीन में वन प्राइम वन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है बिल्कुल सही है देखिए अगर मैं प्यूरीन की बात करूं तो आपको पता है बाई होता है यानी कि इसमें कितने साइकिल होते हैं दो साइकिल होते हैं और इसमें एक तीन सात

और थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन होता है फर्स्ट पर जो नाइट्रोजन है उसके पास होता है एच तो ये वन प्राइम कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो यहाँ क्या आ जाएगा वन प्राइम वन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो ये सही स्टेटमेंट है अगला देखिए एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन डीएनए तथा आरएनए में सामान्य होते हैं बिल्कुल सही अगर आप डीएनए की बात करो आरएनए की बात करो तो इन दोनों में ही क्या प्रेजेंट होता है यहां पर एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन ये तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है अगला देखिए राइबोज डीऑक्सीराइबोज का समावयवी होता है राइबोज आइसोमर ऑफ डीऑक्सीराइबोज गलत है यहाँ पर समावयवी नहीं है क्यों क्योंकि इनका जो फॉर्मूला होता है वो अलग-अलग होता है तो समावयवी के तो चांस ही नहीं है अगर मैं राइबोज की बात करूं तो राइबोज कैसा होता है C5 H10 O5 ये किसका फार्मूला है राइबोज का जबकि डी का क्या होता है सी फाइव एच टेन ओ फोर तो आप कह सकते हैं यहां पर कि राइबोज और डी का फॉर्मूला सेम नहीं है यानी कि आइसोमर नहीं होंगे तो इसमें आंसर क्या जाएगा ए बी सी सत्य है लेकिन डी असत्य है आंसर थर्ड नेक्स्ट के नमूने में उपस्थित सभी तत्व जीवित ऊतक के नमूने में भी उपस्थित होते हैं बिल्कुल सही ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू आर सेम मतलब बिल्कुल उसी टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं राइट स्टेटमेंट है अन्य तत्व की अपेक्षा कार्बन व हाइड्रोजन की आपेक्षिक उपलब्धता पट्टी से जीवित जीव में उच्च होती है बिल्कुल सही है अगर मैं बात करूं रिलेटिव एवंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन तो ये हमेशा ही किस में ज्यादा होगी लिविंग ऑर्गेनिज में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट सही है जीवित जीव में एनिमेट प्रादर्श यानी कि जैसे भूपर की अपेक्षा प्रति इकाई द्रव्यमान नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधिक होता है यह गलत है लिविंग ऑर्गेनिज हैव मोर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पर यूनिट मास देन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी ये स्टेटमेंट कैसा दे रखा है राइट ठीक है ये स्टेटमेंट कैसा है यहां पर राइट right. क्योंकि यहां क्या बोल रखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज़ ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगते हैं किसके कंपेयर में अर्थ क्रस्ट के कंपेयर में बिल्कुल सही है क्योंकि आपको पता है लिविंग है तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिक मैटर से बना होगा तो उसमें कार्बन नाइट्रोजन ये सब कैसे होंगे ज्यादा होंगे अगला देखिए जीवित जीव में एनिमेट प्रादर्श यानी भूपर पट्टी की अपेक्षा कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम अधिक होते हैं ये गलत है क्योंकि ये लिविंग ऑर्निज में कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम ये अधिक नहीं होते बल्कि कम मात्रा में पाए जाते हैं जबकि ये अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होते हैं तो ये गलत स्टेटमेंट दे रखा है आंसर आ जाएगा फोर्थ क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना था अगला देखिए निम्नलिखित पादपों में से कौन सा एक बहुअंडी और व्युक्त आंडपी जायांग रखता है यानी कि मल्टी कार्पलरियन एपोकार्पस गाइनोसियम गुड़हल में सिन कार्पस है पेपेवर में सिन कार्पस है टमाटर में सिन कार्पस है लेकिन माइचेलिया में एपोकार्पस कंडीशन है ध्यान रखना आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा परागण कारक के बिना सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करते हैं तो अगर हम देखें तो यहां पर जो ऑक्जेलिस वायुला है इन प्लांट्स में क्लिस्टोगेमस फ्लोवर बनते हैं और क्लिस्टोगेमस फ्लोवर ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लॉवर होते हैं ये किस टाइप के होते हैं ये क्लोज फ्लॉवर होते हैं और क्लोज फ्लॉवर है तो इनमें बिना किसी भी परागण कारक के यहां पर सीड सेट का प्रोडक्शन होता है ध्यान रखना ये अनुन्मील्य नहीं है ये यहाँ पर उन्मील्य है ठीक है तो ये थर्ड आंसर आ जाएगा क्योंकि ये क्लिस्टोगेमी यहाँ शो कर रहा है तो आंसर आएगा थर्ड अगला देखिए लघु बीजाणु धानी की किस प्रत की कोशिकाएं मल्टीन्यूक्लियेटेड होती हैं आपको पता है टेपीटम की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं यानी कि वो मल्टीन्यूक्लियेटेड होती हैं आंसर आ जाएगा फोर्थ अगला देखिए सत्य और असत्य कथन बताने हैं के पराग पराग एलर्जी का कारण बन सकते हैं बिल्कुल सही है पोलन ऑफ पार्थेनियम कैन कॉज पोलन एलर्जी बिल्कुल सही है पराग पौष्टिक होते हैं इसीलिए भोजन संपूरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं सही है पॉलेन आर न्यूट्रिशर्ड द यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट अगला देखिए रोजेसी लेग्युमिनेसी और सोलेनेसी के सभी सदस्यों में पराग अंकुरण क्षमता 30 मिनट होती है गलत है जबकि हमने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है कि रोजेसी लेग्युमिनेसी और सोलेनेसी के सभी सदस्यों में पराग अंकुरण क्षमता कई महीनों तक हो सकती है 30 मिनट लिख रखा है यह गलत हो गया तो क्या आ जाएगा ट्रू ट्रू एंड फॉल्स आंसर 4 नेक्स्ट देखिए ओजोन का ह्रास करने वाले पदार्थों के विमोचन को घटाने हेतु तो विशिष्ट नियंत्रण रणनीति का वैश्विक समझौता कौन सा है यानी कि ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ था जिसके थ्रू क्या किया गया था ये डिसाइड हुआ था कि जो ऑक्सीजन डिप्लीटिंग सविस्टेंस है उनके प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है ये कहाँ हुआ था तो इस ट्रीटी या एग्रीमेंट को बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो नाइनटीन में यहाँ पर आप कह सकते हैं अप्लाई सॉरी ये इफेक्टिव हुआ था 1989 में तो आंसर क्या आ जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सेकंड नेक्स्ट देखिए उपापचय खर्च के उपरांत पादप ऊतकों में भंडारित ऊर्जा की मात्रा क्या है तो ध्यान रखना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट टिश्यू आफ्टर मेटाबॉलिक लॉस इज कॉल्ड एज इसको कहेंगे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या एनपीपी क्योंकि आपको पता है प्लांट जितना भी प्रोडक्शन करता है फूड का उसको बोलते हैं जीपीपी जीपीपी में से प्लांट उसमें कुछ यूटिलाइजेशन करेगा और उसका यूज करेगा रेस्पिरेशन यहां आप कह सकते हैं में है, और रेस्पिरेशन में से जब घटा दोगे सॉरी जीपीपी में से रेस्पिरेशन में यूज फूड को घटा दोगे तो क्या बचेगा एन पी पी आंसर क्या जाएगा सेकेंड नेक्स्ट देखिए ये हाइड्रार्क सीरीज का आपको सक्सेशन बता रखा है और इसमें कुछ स्टेज आपको दे रखी है इन स्टेजों को आपको सीक्वेंस में लगाकर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो देखिए अगर हम हाइड्रार्क सक्सेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा सबसे पहला आता है फाइटो प्लैंकटॉन स्टेज यानी कि डी और फाइटो प्लैंकटॉन के बाद आता है यहां पर रूटेड सबमर्ज आएगा यानी कि ये आएगा सेकंड और रूटेड सबमर्ज के बाद आएगा रीड स्वाम्प स्टेज ये आएगा थर्ड और इसके बाद आएगा फोर्थ मार्स मीडो और फिफ्थ आ जाएगा एक स्टेबल कम्युनिटी बन जाएगी जिसका नाम है फॉरेस्ट तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट एक विशिष्ट समय में प्रत्येक पोषक स्तर पर उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं तो ध्यान रखना अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात की जाए तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप खड़ी फसल अगला देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में ऊर्जा प्रवाह का प्रमुख स्रोत क्या होता है एनसीआरटी में क्लियर लिख रखा है कि अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन के कंपेयर में एनर्जी बहुत ज्यादा ट्रांसफर होती है कंडक्ट होती है किसके थ्रू डेट्राइटस फूड चेन और चूंकि यहां उष्ण वर्षावन ट्रॉपिकल सॉरी ये क्या है ये आप कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल इको को शो कर रहा है तो आंसर आ जाएगा सेकेंड नेक्स्ट देखिए इसमें या आपको मैचिंग करानी है तो देखिए अगर मैं लाई पेज की बात करूं तो लाई पेज क्या है यहां पर ये यूज एज डिटर्जेंट यानी कि आ जाएगा और दूसरा ये किससे बनता है एक बैक्टीरिया है कैंडिडा लिपोलाइटिका इससे प्राप्त होता है ठीक है तो ई का आ जाएगा वीड सेवन और एट में देखिए सेवन और एट ये गया ये गया ठीक है अगला देखिए अगर मैं सिट्रिक एसिड की बात करूं तो सिट्रिक एसिड किससे मिलता है एस्परजिलस जिलस नाइगर तो बी का क्या आ जाएगा फर्स्ट बी का क्या आ जाएगा फर्स्ट ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्टिडियम ब्यूटायरिकम स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस मिलता है डी का फोर्थ इसके अलावा ये जो स्टेप्टोमाइसिन इस है इसको डिस्कवर्ड किया था एस वेक्समैन ने तो डी का आ जाएगा फोर्थ और वी आई तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें सेकंड ये जो स्टेटिन है वो किससे मिलती है ईस्ट की स्ट्रेन से यानी कि ए का आ गया थर्ड इसके अलावा ये जो स्टेटिन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी है तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या जाएगा? Third, fifth, first, second, second आ जाएगा थर्ड फिफ्थ फर्स्ट सेकंड सेकंड आंसर आ जाएगा नेक्स्ट यहां पर आपको एक फिलिंदा ब्लैंक्स दिए गए जैसे ए बी सी डी कुछ जगह पर ये अपसेंट करके यहाँ लिख दिया गया है तो आपको ए बी सी डी का ये यहां पर करेक्ट मैचिंग बतानी है देखिए यहां टाइप्स ऑफ माइक्रो लिखा है फंगस साइंटिफिक नेम पता नहीं प्रोडक्ट क्या है साइक्लोस्पोरिन ए तो अगर मैं साइक्लोस्पोरिन ए की बात करूं तो ये किससे मिल ये किससे बनता है एक फंगस है ट्राइकोडर्मा कौन सा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम तो ये गया ईस्ट और ये गया अब देखिए नेक्स्ट मेडिकल एप्लीकेशन क्या है साइक्लोस्पोरिन ए का ये यहां अगर मैं कहूं ये है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है क्या होती है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जबकि मोनास्कस परप्यूरियस से क्या मिलता है स्टेटिन और ये स्टेटिन क्या करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है ठीक है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहां पर फर्स्ट नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियो पीड़कनाशी के रूप में ये आपको किससे संबंधित है ये पूछा गया है. तो आपको पता है न्यूक्लियो क्या है एक बैकुलो वायरस होता है तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें थर्ड